Hello everyone, I'm Mohammad Raza Sheikh. I'm a GDSC lead, current GDSC lead at AIKTC. So I'm a front-end web developer, and currently I'm also learning Flutter development. This is my Instagram account, Mohammad.Raza_Sheikh. तो आज के दिन जो है ना, कल के दिन हम लोगों ने जो है HTML का पार्ट देखा. उसमें हम लोगों ने जो है HTML की एक फाइल index.html क्रिएट किए थे. आज हम लोग जो है उसके अंदर CSS अप्लाई करेंगे, और CSS कैसे क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वो सब जो है हम लोग आज डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होगा वो हम लोग जो कवर करेंगे, आज का टॉपिक अबाउट CSS, के CSS क्या है, देन टाइप ऑफ CSS के टाइप्स कौन कौन सी है, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ CSS के सिंटैक्स क्या हो सकता है CSS का, कि अगर CSS की कौन सी टाइप यूज़ करें तो उसका सिंटैक्स क्या यूज़ करना है. देन उसके बाद CSS की बहुत सी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी अप्लाई करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. अब देखो, अभी जैसे मैंने बोला कि CSS, अबाउट CSS, तो CSS जो है ना शॉर्ट फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट का. बेसिकली क्या होता है, जब HTML क्रिएट किया गया था तो वेब डेवलपमेंट के वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बेसिकली जो है HTML क्रिएट किया गया. बट बाद में ये रियलाइज़ हुआ ना कि जो हम HTML यूज़ करके वेबसाइट बना रहे हैं वो उतनी इंटरेक्टिव नहीं है, अच्छी नहीं है, यूज़र एक्सपीरियंस उसका बहुत ख़राब है. तो उसके लिए जो है CSS जो है क्रिएट किया गया, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट. CSS बेसिकली जो है यूज़ होती है हमारी जो भी वेब पेज होता है उसको स्टाइलिंग वगैरह देने के लिए, और उसको डिज़ाइनिंग करने के लिए, उसको डिफरेंट लेआउट वगैरह भी हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं. अभी लेआउट क्या होता है वो भी हम लोग जो है देखेंगे. अभी आगे मैं बताता हूँ कि लेआउट क्या होता है, डिफरेंट लेआउट होता है, लेआउट को अप्लाई करने के लिए बहुत सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, वो सब भी हम लोग देखेंगे. इसके अलावा CSS इसलिए भी यूज़ होती है, अभी लाइक एक वेबसाइट हमने बनाई, तो हमने जो है वेबसाइट को डेस्कटॉप के हिसाब से बनाया, हमारे PC की साइज़ के हिसाब से बनाया. बट अगर कोई दूसरा यूज़र है जिसके पास PC नहीं है तो सिंपली वो तो अपने मोबाइल में जो है वेबसाइट ओपन करेगा, तो उसको तो वेबसाइट एकदम ही अलग दिखेगी. तो वेबसाइट को मोबाइल में कैसी दिखना, अलग दिखना चाहिए, और वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए अलग होती है, आईपैड वगैरह टैबलेट वगैरह के लिए अलग होती है, तो उसको हम लोग जो है ना रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं, CSS का रिस्पॉन्सिवनेस. तो CSS का रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाए वो भी हम लोग थोड़ा जो है देखेंगे. इसके अलावा CSS का जो सबसे मोस्ट बेनिफिट ये है कि CSS हमारा बहुत सा टाइम बचाती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे CSS की एक टाइप है एक्सटर्नल CSS, अगर हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं ना तो उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. अगर मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया, सिंपली हम जो है पोर्टफोलियो हमारी वेबसाइट बना रहे, उसके अंदर मैंने कुछ CSS फाइल क्रिएट किया और CSS अप्लाई किया, अब अगर मैं दूसरी कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, मुझे सेम CSS वहाँ भी अप्लाई करना है, तो मैं दोबारा CSS लिखते नहीं बैठूंगा, मैं वो CSS फाइल को वहाँ पे अपनी दूसरी वेबसाइट के अंदर लिंक कर दूंगा. तो इसकी वजह से हमारा टाइम जो है ना बहुत बचता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमारा जो टाइप होती है CSS की. अभी जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल CSS, CSS की बेसिकली तीन टाइप है. एक टाइप जो है इनलाइन CSS, सेकेंड टाइप जो है वो इंटरनल CSS भी बोलते हैं, और थर्ड टाइप जो है वो एक्सटर्नल CSS है. ठीक है, बेसिकली हम लोग जो है ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम लोग या तो इंटरनल CSS यूज़ करते हैं या तो एक्सटर्नल CSS करते हैं. वन बाय वन हम लोग जो है इसको VS Code में भी देखेंगे. अभी जस्ट थियोरेटिकली पार्ट के लिए मैंने जो है आप लोग को ये बताया है. और इसके अलावा जो तीन टाइप है, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS, तीनों के सिंटैक्स वगैरह भी अलग है. तो हम लोग जो है वन बाय वन VS Code के अंदर तीनों के सिंटैक्स भी देखेंगे, डोंट वरी. ओके, सो मैं काम करता हूँ. ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ CSS, सो ये बेसिकली ये जो है ना हमारा इंटरनल CSS और हमारा जो एक्सटर्नल CSS होता है उसका स्ट्रक्चर है ये, जिसके अंदर हम लोग जो है सबसे पहले एक सिलेक्टर असाइन करते हैं. ये जो P दिख रहा है ना ग्रीन रेक्टेंगल में, इसको हम लोग जो है सिलेक्टर बोलते हैं. जैसा कि देखो, हमने HTML के अंदर क्लास असाइन की थी, एक div दिया था, div की क्लास दिए थे, क्लास और क्लास की कुछ वैल्यू वगैरह सेट की थी. सो सिलेक्टर वही होता है, और उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसको जो है ना हम लोग जो है क्या, हाँ कर्ली ब्रैकेट है,
करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो है हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी और सीएसएस की वैल्यूज जो है असाइन करते हैं। करली ब्रैकेट को बेसिकली जो है ना डिक्लेरेशन बॉक्स, डिक्लेरेशन ब्लॉक भी बोलते हैं। उसके अंदर हम लोग जो है हमारी सीएसएस प्रॉपर्टी लिखते हैं। अभी यहाँ पे जो रेड में आप लोगों को दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिखा है कलर कोलन, तो ये सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है, सीएसएस की कलर प्रॉपर्टी है, जिसके जरिए हम लोग जो है अपने वेब पेज के अंदर कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रेड लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है कलर, उसकी वैल्यू हमने असाइन की है एज अ रेड, ठीक है। सिमिलरली टेक्स्ट अलाइन जो है वो भी एक दूसरी सीएसएस प्रॉपर्टी है, और उसकी हमने एक वैल्यू असाइन की है सेंटर। नाउ हम लोग अब जो है अपने वीएस कोड पे जंप करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट अ मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। यस यस। ओके ओके। और आवाज वगैरह भी सही है ना? क्लियर आ रही है? सही है। बैकग्राउंड नॉइस वगैरह तो नहीं है? ओके चलो अब हम लोग जो है सीएसएस देखते हैं। मैंने आप लोगों को जो है index.html फाइल भेजी थी ग्रुप में, तो मैंने वही ओपन किया है कल जो हम लोगों ने देखा था। नाउ अभी मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लेता हूँ पहले css नाम से, और इसके अलावा सॉरी बना लेता हूँ, और js का भी बना ही लेता हूँ, बट js javascript जो हम लोग कल देखेंगे। ओके मैंने और एक मैंने क्या हो गया, इमेज फोल्डर ही उड़ा दिया, कोई ना। ठीक है अभी देखो मैंने क्या किया, सिंपली मेरा एक index.html फाइल थी, तो उसी फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया css नाम से, और एक फोल्डर बनाया मैंने इमेज नाम से img नाम से। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मेरी जो भी इमेजेस वगैरह रहेगी ना वो मैं अपने img में डालूंगा, और जो भी मेरी css फाइल रहेगी वो मैं css में डालूंगा। तो css के ऊपर मैं क्लिक किया और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फाइल, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। file.css के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट किया। हाँ देखो अभी मैंने जैसे आप लोगों को तीन बताया था, एक इंटरनल, एक इनलाइन सीएसएस होता है, और एक इंटरनल सीएसएस होता है, और एक एक्सटर्नल सीएसएस होता है। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं पहले एक और एक वेब पेज बना लेता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ, लाइक first.html रैंडमली। मैं यहाँ पे थोड़ी सी html लिख देता हूँ। आप लोग को एमेट मालूम है? एमेट एमेट एब्रीवेशन वीएस कोड देता है। अगर मैं यहाँ पे देखो शिफ्ट और वन दबाऊंगा ना तो मुझे की ऐसा कुछ देगा, और अगर मैं एंटर मारूंगा तो मेरे को एक बॉयलर प्लेट जो है html का बेसिक बॉयलर प्लेट रेडी हो जाएगा। टेस्टिंग फाइल ओके okay, अभी मैं यहाँ पे एक सिंपली कुछ भी टाइप कर देता हूँ, पैराग्राफ टैग डाल देता हूँ, एक हेडिंग डालता हूँ।
उसके बाद एक मैं पैराग्राफ टैग डाल देता हूँ। तो अब ये देखो, ये हमारा सिंपली एक वेब पेज है। मैं आप लोग को इनलाइन समझाने के लिए ये एक वेब पेज बनाया हूँ मैंने, first.html। तो अभी सिंपली देखो, अभी ये मेरा वेब पेज है, इसमें मेरा बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर जो है, बॉडी टैग के अंदर मेरा दो मैंने टैग लिया हूँ। एक h1 है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, और दूसरा जो है p टैग है, ये मेरा सेकेंड एलिमेंट है। अभी इनलाइन क्या होता है, अभी जैसे यहाँ पे मेरा h1 टैग दिया है, तो इनलाइन सीएसएस जो होती है ना, वो हम लोग एलिमेंट के अंदर ही अप्लाई करते हैं। अभी ये यहाँ पे मैं अप्लाई करने, अगर मुझे इनलाइन, तो मैं सिंपली लिखूंगा स्टाइल। अभी ये डबल कोट आ गया। अभी इसके अंदर जो भी मैं अप्लाई करूंगा सीएसएस, तो वो सीएसएस जो है इनलाइन सीएसएस कंसिडर होगी और वो जो है अप्लाई हो जाएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ कलर, colr कलर कोलन रेड डाल देता हूँ सेमी कॉलर। अभी मैं इसको गो लाइव करता हूँ। हो गया, रन हो गया। ओके सी, एक बार फिर से मैं बताता हूँ आप लोग को, पहले मैं ये हटाता हूँ। हाँ ओके ये HTML फाइल आप लोग को सही दिख रही ना, कि इसको जूम करूं मैं? हेलो, सही दिख रही है? ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो देखो अभी ये हमारा फाइल है first.html, और यहाँ पे हमने उसको रन किया है। तो पहले हमने h1 टैग लिया है हेलो वर्ल्ड करके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन सीएसएस देखते हैं। तो इनलाइन सीएसएस ऐड करना है ना, तो हमारा जो ओपनिंग टैग होते हैं ना, एलिमेंट का ओपनिंग टैग, अभी जैसे h1 टैग, ये जो हमारा एलिमेंट है, इसका ओपनिंग टैग है h1, और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो अब ओपनिंग टैग के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे स्टाइल। देखो मैंने ht लिखा, तो उसने मुझे सजेस्ट किया स्टाइल, तो मैं सिंपली टैब दबाऊंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ सीएसएस की, कलर नाम की, colr, फिर मैं कोलन डालूंगा, फिर उसकी वैल्यू सेट करूंगा red। फॉर एग्जांपल मैंने रेड सेट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये मेरा कलर जो है, हेलो वर्ल्ड जो है रेड कलर में आ रहा है। सो बेसिकली यानी तुम लोग को भी आइडिया हो गया होगा कि कलर हम लोग क्यों यूज करते हैं। कलर प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो कोई भी हमारा जो टेक्स्ट होता है उसका कलर चेंज करने के लिए हम लोग जो है कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अभी ऐसे ही अगर मुझे पैराग्राफ टैग का कलर चेंज करना है, मुझे इसको ग्रीन करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तुम लोग में से कोई बता सकते हैं मुझे? एनीवन? पैराग्राफ के ओके स्टाइल, हाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं, क्वेश्चन रिपीट। ओके, तो मैंने, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मुझे पैराग्राफ जो टैग है मेरा, पैराग्राफ टैग यानी यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ दिख रहा है, इसको अगर मुझे ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना है, अभी ये ब्लैक कलर का है, मुझे इसको ग्रीन कलर में करना है, तो उसके लिए हम सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेगी? ओके करेक्ट करेक्ट, हम लोग कलर यूज करेंगे कोलन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट करेंगे ग्रीन, gr EE ग्रीन। ओके सॉरी माय बैड। सो देखो ये यहाँ पे इसका ग्रीन कलर हो गया है। ठीक है, अभी ये जो हम लोग ने अप्लाई किया ना ओपनिंग टैग के अंदर, इसी को हम लोग जो है इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। अब हम लोग जो है दूसरी सीएसएस देखते हैं, दैट इज इंटरनल सीएसएस और एम्बेडेड सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस और एम्बेडेड सीएसएस जो होती है ना, वो हम लोग हमारे हेड टैग में अप्लाई करते हैं। जो हमारा हेड टैग दिया है ना,
उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक स्टाइल टैग यूज करते हैं। टाइटल के नीचे मैं जो है स्टाइल टैग डालूंगा, स्टाइल। अब इसके अंदर मैं जो भी हमारा सी एस एस अप्लाई करूंगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी जहाँ पे भी हमको अप्लाई करना है वो होते जाएगी, ऑटोमेटिक होते जाएगी। ठीक है, तभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये दोनों सी एस एस को हटा देता हूँ। मैं ये हटा दिया, ये मेरा पहले जैसा हो गया, हेलो वर्ल्ड का कलर और पैराग्राफ का कलर। ठीक है, अभी ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को सी एस एस बताया। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल से पहले ना हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा जो कि सिलेक्टर। जो मैंने आपको सिंटेक्स दिखाया था सी एस एस का, उसके अंदर हमने पहला था सिलेक्टर। तो सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एच टैग वगैरह हम जो भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एच वन टैग यूज़ किया है, मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, सी एल ए क्लास सी ए हेडिंग। ठीक है, मैंने इसको एक क्लास दे दिया हेडिंग, और मेरा ये पैराग्राफ टैग है, इसको मैं आई डी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई डी दे देता हूँ फर्स्ट पैरा। ठीक है, सिलेक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, सिलेक्टर की मदद से अगर हमें किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करना होता है ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे खाली जो हेडिंग जो है मेरी उसी को मुझे सीएसएस अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक सिलेक्टर यूज करूँगा जो इसको टारगेट करेगा, मेरी हेडिंग को, एच वन हेडिंग जो है ना मेरी हेलो वर्ल्ड, उसको टारगेट करेगा। सिलेक्टर के जरिए हम लोग जो है उसको टारगेट करते हैं, और टारगेट करने के बाद हम लोग जो है उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टर बहुत से टाइप के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम सिलेक्टर, और दूसरा क्लास सिलेक्टर, आई डी सिलेक्टर, सूडो सिलेक्टर, और बहुत सी टाइप है। बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, जनरली नेम सिलेक्टर यूज़ करते हैं, और क्लास सिलेक्टर यूज़ करते हैं, और आई डी सिलेक्टर यूज़ करते हैं। हाँ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जनरली यूज नेम सिलेक्टर, सॉरी, और सी एल ए क्लास एंड आई डी सिलेक्टर। ठीक है, तो हम लोग जनरली ये यूज करते हैं, और समटाइम्स हम लोग जो है सूडो सिलेक्टर भी यूज करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन सबको देखते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को इंटरनल सी एस एस तो समझ में आया ना कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, उस्मान को समझ में आया, और बाकी सबको। ओके ओके, ठीक है, कूल। ठीक है, अब अपन जो है इंटरनल सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो इंटरनल सिलेक्ट वन बाय वन देखते हैं। पहले मैंने जैसे बोला कि नेम सिलेक्टर, तो नेम सिलेक्टर क्या होता है, जो हमारा टैग है ना, टैग, जैसे यहाँ पे मेरा एच वन टैग है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एच वन लिखूंगा, एच वन के जरिए टारगेट करूंगा। फिर उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट डालूंगा, तो ये मेरा हो गया नेम सिलेक्टर, यानी मैं टैग के नेम के जरिए ही जो है ना मैं टारगेट कर रहा हूँ मेरी एलिमेंट को, ये एलिमेंट को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ कलर प्रॉपर्टी, सी ओ एलो कलर मैंने दे दिया रेड। ठीक है, तो अब देखो ये भी सेम आउटपुट अपने को दिया जैसा कि हमने इनलाइन के जरिए अप्लाई किया था। ठीक है, इतना समझ में आया ना आप लोग को। ठीक है, अभी देखो जब नेम सिलेक्टर के जरिए हम लोग जो है टारगेट कर सकते हैं, तो हमारे पास दूसरे सिलेक्टर भी क्यों है, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, डाउट आता है कि जब हमारे पास नेम टैग नेम सिलेक्टर है तो हम और दूसरे सिलेक्टर क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे देखो मैंने एक एच वन टैग तो यूज़ किया था, बट मैं एक और एच वन टैग यूज़ करता हूँ, दिस इज माई सेकेंड एच वन टैग। तो देखो अभी मैंने दूसरा H1 टैग भी यूज़ किया, तो उसका भी कलर ऑटोमेटिकली इसने रेड दे दिया, बट मुझे इसका कलर रेड नहीं चाहिए था, मुझे खाली हेलो वर्ल्ड का कलर रेड चाहिए था, इसका कलर एज इट इज ब्लैक ही चाहिए था अभी बाय डिफॉल्ट। बट लेकिन जब मैं नेम टैग नेम सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो ये दोनों पे अप्लाई कर दे रहा है, तो ये हमारे लिए एक इशू है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, एक क्लास सिलेक्टर भी बनाया और एक आई डी सिलेक्टर भी बनाया। ठीक है,
तो अभी मैं जो है क्लास सिलेक्टर पहले बताता हूँ. अभी जैसे देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला जो मेरा हेलो वर्ल्ड है उसका ही कलर मुझे रेड चाहिए था, बाकी और किसी का कलर मुझे रेड नहीं चाहिए. तो मैंने उसको एक क्लास दे दिया, क्लास हेडिंग. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा हो गया नेम सिलेक्टर. मैं काम करता हूँ इसको बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ. क्या बोले आपने? हाँ, अगर आपको इनलाइन सीएसएस अप्लाई करना है, सॉरी इंटरनल सीएसएस अप्लाई करना है ना, तो उसको हम लोग हेड टैग के अंदर डालते हैं. हेड टैग के अंदर हमारा स्टाइल आता है. बेसिकली जनरली जो है ना हम लोग टाइटल टैग जो होता है ना हमारा, उसके नीचे ही हम लोग जो स्टाइल टैग डाल देते हैं हमारा. ठीक है, ओके. तो अभी मैंने क्या किया, H1 टैग को ना बाय डिफॉल्ट कलर रखा, कलर जो है ब्लैक रखा. अभी देखो दोनों मेरा जो है ब्लैक हो गए, हेलो वर्ल्ड भी, दिस इज माय सेकंड H1 टैग भी. बट अब मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड को मुझे रेड कलर करना है. तो मैं क्लास सेलेक्टर यूज करूँगा. क्लास सेलेक्टर यूज करने के लिए मुझे सिंपली जो है ना, जो क्लास नेम है मेरा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा यहाँ पे हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगा, HEADING हेडिंग. और इसमें मैं कलर डालूंगा, COL और कलर, और इसमें मैं रेड डालूंगा. ठीक है, देखो अभी मैंने ये अप्लाई किया तो ये यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं हुआ. कोई भी आउटपुट में जो हमारा टेस्टिंग फाइल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है ना. तो ऐसा क्यों? एक बेसिक सा रीज़न है. अभी ये हमको तो मालूम है कि हमने ये जो हेडिंग डाला है ये हमारी एक क्लास है, क्लास नेम है हेडिंग. बट लेकिन ये जो हमारा HTML ब्राउजर है, ब्राउजर को इसका आइडिया नहीं है. ओके, मेरी बैकग्राउंड के ठीक है चलो. तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि हमने जो, अभी देखो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट चालू करता हूँ. तो इंस्पेक्ट के अंदर हमको जो है हमारी CSS भी दिखती है, ये हमारी HTML है और ये हमारा CSS है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी जो है ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि आपने कोई क्लास जो है, ये क्लास जो है इसकी, उसको आपने कोई वैल्यू वगैरह असाइन की है. देखो दिखा देता हूँ, ये मैंने बॉडी के अंदर मैंने H1 टैग दिया था, ये मेरा हेलो वर्ल्ड वाला, मैंने इस पर क्लिक किया. तो यहाँ पे देखो एलिमेंट डॉट स्टाइल, यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहे, यानी कि ये जो हमने असाइन किया है ना, ये इसको असाइन नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी बता रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे डालूँ कलर रेड, देखो इसका कलर रेड हो गया. बट अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये ऑटो वापस ब्लैक हो जाएगा. तो हमको बताना पड़ेगा वेब ब्राउजर को कि ये मैंने इसकी जो क्लास है हेडिंग क्लास, उसको मैंने असाइन की है. तो इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं, क्लास नेम से पहले हम डॉट डालते हैं. देखो मैंने पहले डॉट डाला ना, तो ये ऑटोमेटिक रेड हो गया. समझ में? तो ये सिंपली आपको याद रखना है, अगर कोई क्लास को आप स्टाइल वगैरह अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्लास नेम से पहले डॉट यूज करना है. ठीक है, तो एलिमेंट क्लास हेडिंग वो दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पे देखो खाली H1 बता रहे. समझ में आया ना? इतना क्लियर है ना? ओके, अभी ये तो हो गया हमारा क्लास सिलेक्टर. यानी कि क्लास सिलेक्टर अगर अपने को अप्लाई करना रहता है क्लास के ऊपर, तो हम सिंपली डॉट क्लास नेम यूज करते. डॉट CLA डॉट क्लास नेम और कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं अगर हमको कोई भी क्लास के ऊपर CSS अप्लाई करना होता है. अभी अगर मेरे को ID के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे एक ID दी है, इसके जरिए अगर मुझे अप्लाई करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हैशटैग यूज करूँगा, हैश और आईडी नेम. मेरा आईडी क्या है, first-para. मैं इसमें अप्लाई करता हूँ कलर ग्रीन. तो देखो यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ है वो ग्रीन हो गया. समझे? अगर मैं देखो यहाँ पे एक और पैरा डाल देता हूँ, पैराग्राफ लॉरेम फाइव, सिंपली मैंने इसे डाल दिया, दिस इज माय सेकंड पैरा, दिस इज
फॉर टेस्टिंग। देखो मैंने एक सेकेंड पैरा डाला तो उसका कलर मुझे ब्लैक मिला, ठीक है, और मैंने फर्स्ट पैरा जो डाला था खाली वही जो है मेरा ग्रीन हुआ, क्योंकि मैंने आईडी सिलेक्टर के जरिए इसको जो है टारगेट किया था। अब अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, फर्स्ट वन वाले को मैं रुको, मैं कमेंट किया, और यहाँ पे अगर मैं ये हटा दूँ तो यहाँ पे मैं पी टैग पी लिखूँ खाली, तो देखो दोनों का कलर ग्रीन हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस ओके। अभी आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ डाला, तो मैंने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट लाइन लिखा एल आर ई एम फाइव, दिस इज माय सेकंड पैरा, दिस इज फॉर टेस्टिंग, बट लेकिन यहाँ पे देखो वो एक ही लाइन के अंदर आया, समझे? तो अगर तुम HTML के अंदर कितना भी एंटर स्पेस वगैरह डालो तो वो ब्राउजर उसको जो है इग्नोर कर देता है, ठीक है। अगर तुमको ये दोनों, अभी जैसे मेरी ये फर्स्ट लाइन है, दिस इज माय फर्स्ट पैरा, दिस इज फॉर टेस्टिंग, ये दोनों अलग अलग लाइन में चाहिए, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, BR टैग होता है, BR टैग यूज करेंगे। तो BR टैग क्या करता है, ब्रेक करते हैं लाइन को, ब्रेक कर देता है। तो देखो ये ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में आ गया, ठीक है, मैं हटा देता हूँ अभी। तो ये हमारा इंटरनल CSS था, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS दोनों के सिंटैक्स और कैसे यूज करते हैं, ये क्लियर है क्या आप लोगों को? कमेंट करो तो। ओके ठीक है, तो आज हम लोग जो भी CSS अप्लाई करेंगे ना, उसका फाइल हम लोग जो है ग्रुप में नहीं शेयर करेंगे, तो आप लोगों को हमारे साथ ही साथ जो है करना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि कल जो है फर्स्ट डे था, इसलिए हम लोग ने जो है index.html को हमने शेयर कर दिया, ठीक है। अभी ये हमारा दो टाइप का हो गया, इनलाइन और इंटरनल। अब अपन जो है सेकेंड थर्ड टाइप, जो कि लास्ट टाइप है, एक्सटर्नल CSS देखते हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए क्या करूँगा, मैं style.css के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिंपली स्टाइल टैग का, अभी मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक्सटर्नल CSS अगर हमको यूज करना है ना, तो उसके लिए हमको पहले उस एक्सटर्नल CSS फाइल को हमको लिंक करना पड़ता है हमारी HTML फाइल से। तो उसको लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर एक टैग यूज करते हैं, लिंक। तो देखो मैंने लिंक लिखा तो उसने मुझे बहुत सारी चीज सजेस्ट किया, लिंक, लिंक डॉट एटम, लिंक डॉट CSS और भी है। तो हम लोग सिंपली लिंक कोलन जो CSS है ना उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो href दिया है, यहाँ पे हम लोग सिंपली जो हमारी CSS फाइल है उसका पाथ देंगे। तो हमारी CSS फाइल कहाँ पे, CSS फोल्डर है, CSS फोल्डर के अंदर style.css, ये मैंने CSS फोल्डर के अंदर गया पहले, फिर उसके अंदर style.css, style.css को टारगेट किया, ठीक है। अब मैं जो भी यहाँ पे अप्लाई करूँगा, फॉर एग्जांपल पी टैग पे मैं अप्लाई करता हूँ कलर रेड, तो देखो पी टैग पे रेड कलर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, अब ऐसे ही अब मैं जो भी CSS यहाँ पे अप्लाई करूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरी जो है first.html फाइल जो है मेरी उसके अंदर अप्लाई होते जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने CSS अप्लाई किया था इसको उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, देखो वापिस से वही अप्लाई हो गया, ठीक है। तो समझ में आया एक्सटर्नल CSS, ये स्टाइल .css जो है ना ये हमारा एक्सटर्नल CSS है, CSS फाइल है, और इसको हमने सिंपली हमारे HTML फाइल के अंदर लिंक किया बाय यूजिंग लिंक टैग। ना क्लियर है सबको? ओके तो बेसिकली जो जनरली होते हैं ना, जब हम लोग हमारा वेबसाइट वगैरह जब हम बनाते हैं तो मोस्टली हम लोग जो है एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं,
क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं ना तो उससे हमको बेनिफिट ये होता है कि अगर वो सेम सीएसएस हमको कोई और वेबसाइट में भी अप्लाई करना है ना तो हमें सिंपली जो सीएसएस फाइल है उसको कॉपी करके दूसरी वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा और वहाँ पे लिंक करना रहेगा। ठीक है, तो इतना आई होप क्लियर है। तो हम जो भी सीएसएस देखेंगे ना हम लोग वो ट्राई करेंगे कि एक्सटर्नल डॉट सीएसएस के अंदर ही देखें। इतना क्लियर है? तो ओके, तो अब आप लोगों ने भी जो है एक आप लोग भी एक फोल्डर बना लो सीएसएस नाम का। जो फोल्डर के अंदर आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाई थी ना उसी के अंदर आप जो है फोल्डर बना लो सीएसएस और उसके अंदर एक फाइल बना लो स्टाइल डॉट सीएसएस और इतना हो जाए तो डन करके कमेंट करो। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अभी हम फिर से जो है फर्स्ट मैं टारगेट करूंगा डॉट हेडिंग को, यहाँ पे मैं कलर दूंगा रेड। तो अभी देखो हम जो है हमारे हेलो वर्ल्ड को टारगेट किया हमने, फिर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी असाइन की कलर। कलर के अंदर देखो मैंने लिखा है रेड, ठीक है, बट ये तो अभी एक रेड मैंने डायरेक्ट सिंपली नाम दे दिया कि भाई मुझे रेड कलर अप्लाई करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है ना कलर प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू हम लोग जो है आरजीबी में भी दे सकते हैं और हैक्स वैल्यू भी दे सकते हैं और डायरेक्ट कलर का नेम भी दे सकते हैं। अभी जैसे देखो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ आरजीबी, तो देखो इसने मुझे एक वो दिया कि भाई आपको कौन सी आरजीबी वैल्यू अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ 100, मैं ऐसे ही रेंडम डाल रहा हूँ 100 100 100। तो देखो यहाँ पे एक वैल्यू असाइन हो गई, यहाँ पे कलर लग गया हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा कलर चेंज करना है, कलर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना उस पर मैं होवर करूँगा तो मुझे कुछ ऐसा वीएस कोड ऐसा ओपन करके देगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं देखो यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ ना, तो इसका कलर चेंज हो रहा है हेलो वर्ल्ड का। जैसे मैंने ब्लू दिया तो ये ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये वीएस कोड की बहुत अच्छी चीज़ है कि ये हमको फैसिलिटी देते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते। ठीक है, अब ये तो आरजीबी में हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं हेक्स वैल्यू भी देखते हैं। पहले हमने देखा था कलर रेड, पहले हमने रेड कलर दिया था, फिर उसके बाद हमने आरजीबी देखा। अब उसके बाद हम लोग जो है हेक्स वैल्यू कैसे अप्लाई करते वो देखते हैं। हेक्स वैल्यू के लिए हमको सिंपली क्या करना होता है, हैशटैग यूज करना रहता है, हैशटैग, फिर उसके बाद कोई भी हमको वैल्यू देना रहता है हेक्स वैल्यू। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया FF0000, मैंने ये डाल दिया, तो देखो उसने क्या किया एक रेड कलर ले लिया, रेड कलर की हेक्स वैल्यू यानी कि डबल एफ और 4 times 0 है। ठीक है, मैं यहाँ से भी इसकी वैल्यू इसका कलर चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे चेंज करना है कलर। तो देखो ठीक है,
अब दूसरी चीज जो है ना, मैं आप लोग को बताता हूँ. अभी देखो, मैंने तीन बार जो है कलर अप्लाई किया और तीनों बार अलग अलग कलर अप्लाई किया. फर्स्ट टाइम मैंने रेड अप्लाई किया, सेकेंड टाइम मैंने कुछ और अप्लाई किया, थर्ड टाइम मैंने कुछ और अप्लाई किया. बट लेकिन जो कलर अप्लाई हुआ है, फाइनल कलर जो आया है, वो हमारे को थर्ड वन लास्ट वाला मिला है. जो हमारा लास्ट कलर है ना, ये कलर अप्लाई हुआ है. ये तो ऐसा क्यों? तो CSS की ये खासियत है कि CSS में अगर आप जो मतलब ऊपर लिखे हो ना, आपने जो भी वैल्यू असाइन की हो प्रॉपर्टी को, अगर आप उसके नीचे उसके बाद में अगर कहीं भी आप अगर फिर से अप्लाई करते हो ना, तो ये ओवरराइट कर देता है फर्स्ट वैल्यू को. जो हमारी फर्स्ट वैल्यू ना, इसको ओवरराइट कर देगा ये लेटेस्ट वन से. ठीक है, अभी अगर जैसे मैं फिर से एक बार अप्लाई करूँ कलर वाइट, तो ये तीनों को ओवरराइट कर देगा वाइट कलर से. देखो, तो समझ में है ना ऐसा क्यों हो रहा था. देखो, अगर मैं रेड वन वाले को नीचे लेके आता हूँ, तो ये दोनों ओवरराइट हो जाएगी रेड से. अगर मैं ये आरजीबी वाली को नीचे लाता हूँ, तो आरजीबी वाली अप्लाई हो जाएगी. इतना समझ में आया सबको? ओके, कूल. ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले जो है कलर देखा, हमारी की कलर कैसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, अभी इसके बाद हमारा जो आता है ना, एक बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. अभी हम लोग जो है बॉर्डर देखते पहले. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला प्रॉपर्टी रहने देता हूँ, बाकी फर्स्ट जो ऊपर की दो प्रॉपर्टी ना, ठीक है चलो मैं उसको भी रहने देता हूँ. CSS में अगर हमको कमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश और टू टाइम एस्ट्रिक डालते हैं और फिर से फॉरवर्ड स्लैश. अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा ना, तो वो मेरा दिस इज माय कमेंट, दिस इज हाउ वी अप्लाई कमेंट इन CSS. ठीक है, तो CSS में कमेंट अप्लाई करने का तरीका जो है ये इस तरीके से. आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप लोग ये देखे होंगे, जब मल्टी लाइन कमेंट करना रहते हैं ना, तो हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं. तो CSS में हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं. और अगर VS कोड में आपको कमेंट करना है ना, तो आप सिंपली एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश. कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे ना आप, तो ऑटोमेटिक कमेंट अप्लाई हो जाएगा. अगर फिर से आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे, तो ये अनकमेंट हो जाएगा. देखो मैं यहाँ पे कर दूँ, कमेंट में भी लिख देता हूँ शॉर्टकट CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश. कमेंट करने का ये शॉर्टकट है हमारा. ये मेरा VS कोड ओपन किया मैंने और ये मेरा आउटपुट ओपन किया मैंने. ठीक है, अब हम जो है बैकग्राउंड देखेंगे. अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, उसको मैं बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ. तो मैं जाता हूँ पहले फर्स्ट में, मैंने फर्स्ट पैरा के लिए मैंने एक आईडी दी है, तो मैं ये आईडी को सिंपली क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ. और आईडी को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मेरी स्टाइल डॉट CSS में आता हूँ. यहाँ पे मैं, चूंकि मेरी आईडी है वो, तो मैं हैश यूज करूँगा और आईडी नेम यूज करूँगा. फिर उसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूँगा BG, मैं BG कलर डाल देता हूँ पिंक. देखो, अभी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा ना, तो यहाँ पे मेरे को बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक पिंक हो गया. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, BACK बैकग्राउंड कलर पिंक. तो देखो, मैंने बैकग्राउंड कलर पिंक लिखा ना, तो भी वही चीज अप्लाई. पहले वाले को कमेंट कर देता हूँ मैं. देखो, अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसा भी मुझे कलर चाहिए रहेगा. एग्जाम्पल, मैं इसको थोड़ा ऐसा लाइट रखता हूँ. देखो, तो इतना समझ में आया ना आप लोगों को? गाइस, ओके, यस, ओके.
तो आप लोग को कलर और बैकग्राउंड दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा ना कुछ तो अनम्यूट करके या तो मुझे कमेंट करो तो मैं उसको फिर से जो है बता दूंगा। और मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, बैकग्राउंड कैसा किया? ओके ओके, मैं बैकग्राउंड फिर से बताता हूँ। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? ओके नहीं नहीं ओके ओके थैंक यू। ठीक है, तो बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए क्या किए हम लोग, हमारे पास एक सी एस एस की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर करके, बी ए सी के जी। देखो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर की, तो जब तुम ये बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन लिखोगे ना तो तुम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया सिंपली जस्ट। अगर तुमको बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड अप्लाई करना है ना तो तुम सी एस एस की ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर। अभी देखो मैं इस पे होवर करता हूँ और इस पे मेरे को एक ये बॉक्स पॉपअप कर रही है, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ मुझे ये बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अभी इसके बाद देखो यहाँ पे एमडीएन रेफरेंस बता रहे हैं। जब आप लोग वेब डेवलपर बनोगे ना, अगर फ्रंट एंड वेब डेवलपर या फुल स्टैक वेब डेवलपर जो भी बनोगे तो आप लोग को ये यूज करने आना चाहिए एमडीएन रेफरेंस। मैं देखो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक दिया, डू यू वॉन्ट टू कोड टू ओपन द एक्सटर्नल वेबसाइट। मैंने ओपन किया, देखो यहाँ पे मेरा एक वेब पेज खुला है एमडीएन का। यहाँ पे देखो उसने बताया मुझे बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड कलर सी एस एस प्रॉपर्टी सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। अभी देखो यहाँ पे उसने बोला ट्राई इट, यहाँ पे डेमो दी है, बैकग्राउंड कलर बॉन्ड ब्राउन लिखा है। तो देखो ये मैं इसको पहले फुल कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे अभी ब्राउन कलर का है बैकग्राउंड। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो देखो ये चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने हेक्स वैल्यू दी है, हेक्साडेसिमल। अगर मैं इसके आरजीबी वैल्यू, भाई हाँ ये इसमें कैसा पूरा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है ना, वो जो तुमने तीन लाइन का ही बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों? एक्चुअली देखो मैं बता दो, ये ऐसा इसलिए कि देखो ये मैंने यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, फर्स्ट हाइफन पैरा और मैंने उसके साथ हैशटैग यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पैरा लिखा हूँ ना ये मेरी एक आईडी है, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल में देखो हैशटैग यहाँ पे मेरी आईडी है तो पैरा। तो ये जो सी एस एस अप्लाई हो रहा है ना, हाँ तो ये जो सी एस एस अप्लाई हो रहा है ना ये खाली पी टैग को अप्लाई हो रहा है, तो मेरा पी टैग जो है ना इतने में मेरा पी टैग है, बाकी ये एच वन टैग है और ये जो है अलग एच वन टैग है, ये अलग पैराग्राफ टैग है। तो मैंने ये पैराग्राफ जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसको ही मैंने आईडी अप्लाई की थी, तो इसलिए बैकग्राउंड कलर खाली उसी का चेंज हो रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करता हूँ सी एल क्लास पैरा, और सेम क्लास जो है मैं सेकंड पैरा को भी दे देता हूँ क्लास पैरा। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं डॉट पैरा और इसका बैकग्राउंड सेट करता हूँ बी एस बैकग्राउंड कलर ब्लू डाल देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड में फर्क क्या? बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखो जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड होता है जो बैकग्राउंड के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज है, लाइक बैकग्राउंड कलर है और भी चीज़ें। तुम अभी जैसे देखो सिंपली बैकग्राउंड में लिखता हूँ तो देखो मेरे को कितनी सारी चीज़ सजेस्ट किया, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड पोजिशन है और बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड क्लिप, बहुत सारी सी एस एस की प्रॉपर्टीज है। तो और यहाँ पे सिंपली एक बैकग्राउंड लिखा है, तो ये जो बैकग्राउंड है ना ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, इसके जरिए मतलब तुम एक साथ बहुत सी वैल्यूज सी एस एस की बहुत सी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसने दिया है, जब मैं बैकग्राउंड पे होवर करूंगा ना तो मुझे बताएगा कि शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग मोस्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एट सेम टाइम, समझे? अभी जैसे मुझे बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड की साइज वो सब एक साथ अप्लाई करना है ना, तो मैं बैकग्राउंड का यूज करके यही लाइन में यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, समझे? अभी हमको मैं इसको एमडीएन करके बताता हूँ, एक्चुअली आगे बताने वाला था मैं बट अभी पूछा तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे उसने अप्लाई किया बैकग्राउंड ग्रीन, तो अभी देखो पूरा इसने एक्चुअली क्या किया, एक कंटेनर बनाया डिव और वो डिव के क्लास दिया उसने
बैकग्राउंड ये उसने जो है डिव बनाए ना उस पे, वो जो है वो डिव के ऊपर वो बैकग्राउंड अप्लाई कर रहा है, तो इसलिए उसका पूरा पूरा डिव जो है चेंज हो जा रहा है। अभी देखो उसने बैकग्राउंड जो है ग्रीन सेट किया तो ग्रीन हो गया, बट सेकंड वाले में देखो उसने क्या किया, कंटेंट बॉक्स रेडियल इतनी सारी प्रॉपर्टी उसने अप्लाई की है, तो देखो अब चेंज हो गया। थर्ड वाली पे अप्लाई करता हूँ मैं तो देखो चेंज हो गया, सेकेंड वाली पे चेंज हो गया। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने अप्लाई किया, मैं यहाँ पे नो रिपीट लिखा है तो मैं यहाँ से रिपीट हटा देता हूँ। तो देखो मेरा ये जो मेरी ये जो लिजार्ड है ना, मेरा इमेज जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे इतने में खत्म हो गया था वो, फिर भी हमारा डिव की साइज थी तो उसने फिर से उसको डाल दिया। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी जब तुमको अप्लाई करना रहती ना एक साथ तो तुम बैकग्राउंड यूज करते हो, समझ में आया इतना? बट अभी हमको सिंपली बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना था तो इसलिए हमने बेसिकली जो है बैकग्राउंड कलर डाल दिया। तुम इसको बैकग्राउंड भी लिख सकते हो खाली, अगर तुम खाली बैकग्राउंड लिख के भी कलर अप्लाई करोगे तो बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक अप्लाई करेगा। ये मैं एम्बियन बंद करता हूँ, तो देखो समझ में आया। अब अगर मैं ये याले को कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो मेरा फर्स्ट वन वाला भी जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके इतना आई होप क्लियर होगा सबको। अभी कोई डाउट है बैकग्राउंड में कि हम बैकग्राउंड की यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर की यूज कर रहे हैं, क्या आगे बढ़ूं मैं आगे? ओके ठीक है। अभी ये जो बैकग्राउंड कलर है ना तुम्हारा, उसमें भी तुम कलर को कोई सी भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, लाइक कलर नेम और RGB वैल्यू और हेक्स वैल्यू, ठीक है, ये तीनों में से तुम कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब उसके बाद जो है ना हम लोग बॉर्डर देखते हैं कि बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है ना? हाँ ओके ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों जो मेरा पैराग्राफ टैग है दोनों को मैं ना एक चलो मैं क्या कर एक काम करता हूँ, मैंने H1 टैग या भी H1 टैग यूज किया, ठीक है। मैं H1 टैग को यूज कर रहा हूँ। अभी मुझे ये बताओ तुम लोग, मैंने यहाँ पे H1 लिखा तो ये कौन सा टाइप का सिलेक्टर हुआ? मेरा क्लास सिलेक्टर है, ID सिलेक्टर है, नेम सिलेक्टर है, तो तीनों में से कौन सा सिलेक्टर है? क्लास सिलेक्टर है, नेम है ना? हाँ ये एक्चुअली नेम सिलेक्टर है क्योंकि मैंने टैग का नेम यूज किया है ना। यहाँ पे देखो मैंने कहीं पे भी क्लास करके उसकी वैल्यू H1 नहीं सेट की है ना, ये एक्चुअली नेम सिलेक्टर है, समझे या सर? हाँ ओके ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं बॉर्डर PORDR बॉर्डर। सबसे पहले मैं डालता हूँ 2 पिक्सल, फिर उसके बाद मैं डालता हूँ सॉलिड और एक और चीज बता देता हूँ आपको। तो देखो अभी पहले तो बॉर्डर के अंदर हम बॉर्डर की विड्थ सेट कर सकते हैं कि भाई बॉर्डर की विड्थ क्या रखना है अपने को, फिर इसके अलावा बॉर्डर का कलर क्या रखना है, फिर उसके बाद बॉर्डर की स्टाइल जो होती है लाइक सॉलिड रहेगा बॉर्डर या डॉटेड रहेगा या और भी होता है, और बॉर्डर का रेडियस भी होता है कि बॉर्डर का रेडियस उसको मतलब हमको कर्व रखना है या बॉर्डर रेडियस 0 रखना है, ठीक है। तो अभी पहले बॉर्डर की विड्थ मैंने यहाँ पे जैसे 5 पिक्सल सेट किया, इसको 2 पिक्सल भी सेट कर सकता हूँ। तो देखो अभी इसकी साइज जो है विथ इसकी जो इसके बॉर्डर की विथ जो है वो कम हो गई। ऐसे ही बॉर्डर के स्टाइल जो मैंने डॉटेड डाला, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉलिड डालूँ तो देखो ये पूरा एक लाइन वाला आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे और भी चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, अभी जैसे मैं कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा ना तो मुझे बहुत सी चीज़ सजेस्ट करेगा, डैश डॉटेड डबल ग्रोव हिडन,
इनहेरिट, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं डबल डालता हूँ, तो इसने अप्लाई किया, हाँ इसने अप्लाई कर दिया। और इसके अलावा अभी हम और भी देखते हैं, डैश, देखो डैश ऐसे अप्लाई हुआ। तो बॉर्डर की दो प्रॉपर्टी हमने देखे, एक बॉर्डर की विथ और एक बॉर्डर का स्टाइल। अगर मुझे अभी देखो मैंने इसको अलग अलग लाइन में डाला है, बट अगर मुझे इसको एक ही लाइन में लिखना है ताकि मेरी जो सी एस एस की फाइल की लेंथ है जो है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो, तो उसके लिए हम शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं बॉर्डर करके। बॉर्डर, बॉर्डर इसका शॉर्ट हैंड है, तो इसमें सबसे पहले हमको इसकी बॉर्डर की विथ देना रहता है, मैंने दिया 2 पिक्सल। फिर उसका बॉर्डर का स्टाइल देना रहता है, तो मैंने दिया सिल्वर नहीं सॉलिड, ठीक है। अब अगर मुझे बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है, अभी देखो कैसे, अभी बॉर्डर का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं स्पेस देके कलर भी चेंज कर सकता हूँ, रेड, बॉर्डर का कलर रेड हो गया। तो इतना समझ में आया ना बॉर्डर का? हाँ ओके ओके ठीक है। तो ये शॉर्ट एंड था अपना। अभी इसके बाद देखो आगे बढ़ू मैं? हाँ ठीक है, मैं आगे बढ़ता। अभी हम लोग ने तो ये देखा कि हमको अगर कोई एलिमेंट पे, जैसे हमको पैराग्राफ टैग पे अप्लाई करना है, या हमको हेडिंग टैग पे अप्लाई करना है, या हमको कोई स्पेसिफिक आईडी वाले एलिमेंट पे अप्लाई करना है, तो वो सब देख लिया। अभी जैसे अगर मुझे ओवरऑल पे अप्लाई करना है, कुछ प्रॉपर्टी जो होती है ना सीएसएस प्रॉपर्टी, वो हमको ओवरऑल पे अप्लाई करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अगर अभी हम लोग वो देखते हैं, तो उसके लिए हम कैसे सबको एक साथ टारगेट करें, मैं भी सिंपली क्या करता हूँ, हमारा जो index.html है मैं इसमें आता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। ये मेरा टेस्टिंग फाइल था, अब मैं index.html को रन करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सब चीज़ हटा देता हूँ, या तो मैं एक काम करता हूँ, जो तो मेरा हेडर है ना हेडर, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं first.html में डालता हूँ। ये मैं पॉड पूरी सारी चीज़ हटाता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ first.html testing.file, इसको मैं टेस्टिंग फाइल से हटा के first लिख देता हूँ ताकि आप लोग को। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे मेरा मेरे को बहुत सी लिंक बता रही, पोर्टफोलियो लिंक, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होएगा अभी, ठीक है। तो अभी देखो, अभी आप इस पे अपन सी एस एस अप्लाई करेंगे। अभी तुम लोग देखो यहाँ पे मेरे को ना, इसको मैं पहले जूम करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा स्पेस दिख रहा है, इसके यहाँ पे और लेफ्ट साइड में और टॉप साइड में हमको स्पेस दिख रहा है, मतलब ये जो पोर्टफोलियो है ना एकदम इससे एडजेसेंट नहीं है, थोड़ा सी स्पेस गैप है बीच में। अगर मुझे वो हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एस्ट्रिक लिखूंगा और मैं कर्ली ब्रैकेट डालूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्जिन और पैडिंग करके एक होता है, तो मैं मार्जिन को 0 सेट करूँगा, मार्जिन, मार्जिन के मैंने एम लिखा और 0 डाला, तो देखो ऑटोमेटिक मार्जिन अप्लाई होगी। देखो अब ये जो जो स्पेस था वो हट गया। मार्जिन और पैडिंग में थोड़ा सी आगे तुम लोग को बताऊँगा कि मार्जिन और पैडिंग होता क्या है। चलो अभी अभी बता, एक सिंपल सी मैं अभी बताता हूँ आप लोग को कि मार्जिन और पैडिंग होता क्या है। इसको मैं साइड में चालू करता हूँ, अभी हम लोग जो है यहाँ पे बॉर्डर भी डाल देते हैं, और जो HTML में मेरा हेडर, क्लास हेडर है ना, तो क्लास हेडर को मैं जो है बॉर्डर देता हूँ, और ये मेरा हेडर है, इसको मैंने बॉर्डर सेट किया 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर, ग्रीन कलर का ही चाहिए मुझे, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो देखो मेरा भी बॉर्डर जो है सेट हो गया। अभी मैं और क्या करता हूँ, इसके अलावा जो मेरा ए टैग है हेडर के अंदर, तो ए टैग को भी मैं अप्लाई कर देता हूँ,
ऑर्डर वन पिक्सल सॉलिड। अभी देखो सबको हेड मेरा जो है सबको आगे, तो अभी देखो यहाँ पे तुम लोगों को एक बॉक्स दिख रहा होगा, है ना। तो ये बॉक्स का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि जो तुम्हारा अभी फॉर एग्जांपल ये बॉडी के अंदर हमारा हेडर है, हेडर के अंदर हमारा ए टैग है, तो मैंने क्या किया ए टैग को टारगेट किया। तो अभी देखो जो मेरा पोर्टफोलियो लिखा है ना वो यहाँ पे आता है ऑटो, उसके बाद आती है पैडिंग, पैडिंग के बाद आता है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आते हैं मार्जिन, ठीक है। यानी सबसे पहले जो तुम्हारा पोर्टफोलियो लिखा हुआ है ना, पहले सबसे पहले तुम्हारा पोर्टफोलियो रहेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा पैडिंग आती है। मैं काम करता हूँ, पेन चालू करता हूँ। देखो क्या होता है, पहले फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट डालता हूँ port, तो ये मेरा एक टेक्स्ट है पोर्टफोलियो करके, है ना। तो सबसे पहले होता है अपना टेक्स्ट, फिर उसके बाद होता है अभी फिर उस पर हमने अप्लाई किया बॉर्डर। फॉर एग्जांपल ये देखो ये मेरा फॉर एग्जांपल बॉर्डर है, ओके। तो अभी कैसे है, ये मेरा टेक्स्ट हो गया पोर्टफोलियो, ये मेरा बॉर्डर हो गया, ये अपना बॉर्डर है। अब जो ये जो टेक्स्ट है और ये जो मेरा बॉर्डर है, इसके बीच में जो मेरा गैप है ना, ये गैप चारों साइड से, ये साइड से भी एक गैप है, ऊपर से भी गैप है, नीचे से भी गैप है, तो इसको हम लोग सिंपली जो है ना इसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं, पैडिंग, ये डी आई एन जी पैडिंग। तो ये हमारी पैडिंग होती है, यानी कि जो टेक्स्ट और बॉर्डर होता है उसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है ना उसको हम पैडिंग बोलते हैं, और जो बॉर्डर है बॉर्डर के बाहर का जो भी हमारा होता है, बॉर्डर के बाहर का जो भी हमारा होता है ना, ये सब जो है बॉर्डर के बाहर, ये हमारा मार्जिन होता है, ठीक है। तो अभी मैंने सिंपली क्या किया, ये जो बॉर्डर था ना इसके बाहर का मार्जिन मैंने जीरो कर दिया। अभी देखो यहाँ पे मार्जिन जीरो, अगर मैं इसका मार्जिन बढ़ाते जाऊँ तो देखो कितना गैप आते जा रहे हैं। ये मैं सिंपली जो है ना हेडर का मार्जिन जो है बढ़ा दिया मैंने, हेडर का मार्जिन मैंने बढ़ाते गया, तो देखो कितना गैप आते जा रहे हैं। अगर मैं इसको जीरो कर दूँ फिर से तो जो गैप था वो खत्म हो जाएगा। वेब ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट जो है ना मार्जिन सेट होती है, तो इसलिए हमने जो है एस्ट्रिक का यूज किया, ये सिलेक्टर का यूज किया, और इसको मैं वापस से मार्जिन खोल लेता हूं। ये एस्ट्रिक, ये जो सिलेक्टर होते हैं ना ये यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं इसको, एस्ट्रिक सिलेक्टर को, एस्ट्रिक सिलेक्टर इज आर यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये याद रखना, अगर तुमको पूरे वेब ब्राउजर में एक साथ अप्लाई करना है ना तो तुम एस्ट्रिक यूज करोगे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने आप लोगों को भेजा था, ठीक है, मैं ये चालू कर देता हूँ, इमेज बताता हूँ आप लोगों को। इमेज चालू नहीं हुई, ठीक है चलो इमेज किसी वजह से चालू नहीं लगता। हाँ तो देखो अभी कैसे है, अभी ये जो पोर्टफोलियो है अपना, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पोर्टफोलियो को यही साइड रहने देना, और ये जो मेरा होम अबाउट सर्विस प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट है ना इसको मुझे राइट साइड में डालना था। तो कल हम जब एचटीएमएल पढ़ लेते तो हम लोग ने देखा था कि कुछ टैग जो होते हैं वो इनलाइन होते हैं और कुछ जो होते हैं ब्लॉक होते हैं। तो हमारा ए टैग जो होता है ना वो इनलाइन होता है, ए टैग जो होता है वो हमारा ब्लॉक होता है, तो इसको हमको पहले इनलाइन में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो इसका मुझे डिस्प्ले जो है सिंपली
इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ मैं। तो ये मेरा अप्लाई हो गया है, बट अभी आप लोग को समझेगा नहीं, और मैंने आपको डिस्प्ले भी बताया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। पहले मैं मार्जिन आप लोग को सबसे अच्छे से बता देता हूँ। मार्जिन समझ में आए ना, बॉर्डर के बाहर जो स्पेस हमको अगर देना रहता है ना किसी एलिमेंट के, तो हम लोग मार्जिन यूज करते। इतना समझ में आया आप लोग को? हेलो, हाँ, यस, ओके। तो अभी जैसे देखो, पहले इसको फिर से हटाता हूँ, मार्जिन को और एक्सप्लेन करता हूँ। हेडर में अप्लाई करते हैं अपन मार्जिन। तो मार्जिन जो है, मार्जिन की वैल्यू मैंने सपोज करो 10 पिक्सल डाला, 10 पिक्सल सेट किया। देखो इसने जो है 10 पिक्सल का स्पेस ले लिया है। एक्चुअली ये चारों साइड से 10 पिक्सल का लिया है। ये देखो, यहाँ से भी 10 पिक्सल का है, ऊपर से भी 10 पिक्सल का है, और राइट साइड से भी 10 पिक्सल का है, और एक्चुअली नीचे से भी 10 पिक्सल का है। अभी देखो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेडर के नीचे में डाल देता हूँ डॉट कंटेनर, हेलो। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है ना 10 पिक्सल का डिस्टेंस है। जब आप इंस्पेक्ट करोगे ना, आपको पहले मैं बॉडी के अंदर जाता हूँ, बॉडी के अंदर मेरा हेड है। तो देखो हेड के अंदर जब मैंने इस पर किया, होवर किया, तो देखो एक एरिया दिख रहा है अपने को। तो ये चारों साइड से जो है ना हमारी मार्जिन ऐड हो गई है, ये इसका इंडिकेट कर रहा है। और कितने की ऐड हुई है? 10 पिक्सल की। ठीक है, अब देखो ये चारों साइड से अप्लाई हुआ, बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को ना सिंपली ये डाउन साइड जो है ना, नीचे की साइड, वहां से मुझे अप्लाई करना है मार्जिन, और मुझे ऊपर से अप्लाई नहीं करना है, मुझे खाली मतलब डाउन में मार्जिन अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और प्रॉपर्टी है सीएसएस की, मार्जिन बॉटम, बॉटम। अभी जैसे मैं देखो यहाँ पे मैं 50 पिक्सल डालता हूँ, तो तुम लोग को मतलब ज्यादा समझ में आएगा। 50 पिक्सल का जो है मार्जिन आ गया, और ये खाली बॉटम में अप्लाई हुआ। यहाँ पे देखो कोई भी गैप नहीं है, ऊपर भी कोई भी गैप नहीं है, और राइट साइड में भी कोई गैप नहीं है। हाँ, इतना हुआ हमारा मार्जिन बॉटम का। अभी वीएस कोड की एक अच्छी बात बताता हूँ कि मुझे अगर जैसे मार्जिन बॉटम अप्लाई करना है ना, तो मैं बार बार मार्जिन हाइफन बॉटम करके नहीं लिखूंगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, एम बी लिखवा, और मुझे कितनी मार्जिन अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मुझे 40 पिक्सल अप्लाई करना है, तो मैं 40 लिखूंगा। तो देखो मुझे वो सजेस्ट कर रहा है मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। मैं एंटर मारा तो ऑटोमेटिक मार्जिन बॉटम जो है 40 पिक्सल अप्लाई कर दी। ये वीएस कोड का शॉर्टकट है, यानी तुम सिंपली एम बी 10 अगर लिखोगे तो मार्जिन बॉटम 10 अप्लाई हो जाएगा। वीएस कोड यूज करने का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, तुम्हारी स्पीड जो है बढ़ जाती है। अभी सिंपली अगर जैसे मुझे अगर मार्जिन टॉप अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, एम टी मुझे 10 पिक्सल ही देने हैं, तो मैं एम की 10 लिखूंगा। देखो ऊपर से जो 10 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई होगा। अगर मुझे चारों साइड अप्लाई करना है, तो मैं सिंपली एम 10 लिखूंगा, तो ये चारों साइड से अप्लाई हो जाएगा। तो इतना क्लियर है मार्जिन का, ओके। तो अभी देखो, अभी मैं ये मार्जिन हटा देता हूँ, मार्जिन टॉप रखता हूँ। स्टार लिए, स्टार स्लैश जो लिए आगे पीछे में, ये इसका मतलब क्या है? ये स्टार स्लैश ना, हाँ, ये एक्चुअली कमेंट करने का तरीका है सीएसएस के अंदर। एचटीएमएल के अंदर जो कल हमने कमेंट देखा था ना, वो अलग है एचटीएमएल के अंदर कमेंट करने का। सीएसएस के अंदर अगर आपको कमेंट करना रहता है ना, तो उसका मेथड अलग है, तुमको ये फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक यूज करना पड़ता है। फॉरवर्ड स्लैश, डबल एस्ट्रिक, फिर से फॉरवर्ड स्लैश। अब यहाँ पे जो भी तुम लिखोगे ना, तो वो नहीं दिखेगा। समझ में आया? यस, ठीक है। अभी देखो, अभी तो हमने 10 पिक्सल अप्लाई किया, बट इसका और भी वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 0%, यानी हम परसेंटेज में भी अप्लाई कर सकते हैं मार्जिन की वैल्यू, और बहुत सारी है।
बट हम लोग जनरली ज्यादा जो यूज करते हैं ना वो हम लोग परसेंटेज यूज करते हैं और REM यूज करते हैं और पिक्सेल कभी कभार यूज कर लेते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे 3 REM डालूं तो देखो मार्जिन टॉप जो 3 REM अप्लाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको 1.5 REM डालूं तो यहाँ पे 1.5 REM अप्लाई हो जाएगी। हो गया। और अगर मैं इसको जैसे 10 REM कर दूँ तो अभी सिंपली मैं 10 पिक्सल ही रखता हूँ। मार्जिन समझ में आ गया ना? मार्जिन की तुम जो है अगर तुमको चारों डायरेक्शन में एक साथ अप्लाई करना है तो तुम मार्जिन अप्लाई करोगे, और अगर तुमको एक एक डायरेक्शन में अप्लाई करना है जैसे टॉप में या बॉटम में या राइट में मार्जिन राइट, और ऐसे ही तुम मार्जिन बॉटम भी अप्लाई कर सकते हो और ऐसे ही मार्जिन लेफ्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं जो है ना टॉप में राइट और लेफ्ट को कमेंट कर देता हूँ। राइट और लेफ्ट में नहीं चाहिए मुझे, खाली बॉटम में चाहिए, टॉप और बॉटम में चाहिए, टॉप में भी नहीं चाहिए मुझे। चलो ये हो गया हमारा मार्जिन का। सिमिलरली पैडिंग भी होता है बट पैडिंग बाद में देख लेंगे अपन। अब उसके अलावा हाइट और विड्थ। अभी जैसे मेरा ये हेडर है, हेडर की मुझे हाइट बढ़ाना है तो हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी हाइट HEIGHT हाइट, हाइट में 10 पिक्सल लगा डाल देता हूँ तो देखो उसकी हाइट कितनी कम हो गई। अभी मैं इसको REM में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो कितनी बड़ी हो गई, समझ में आ रहे ना? तो ऐसे तुम वैल्यू दे सकते हो। समझ में आया सबको? यस ओके ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हेडर के अंदर हमारे जो है ना हम लोग थोड़ी अप्लाई करते हैं। REM का मतलब क्या था? किसका? REM REM जो है ना एक वो है, तुम वैल्यू असाइन करना रहता है ना तुमको, तो तुम पिक्सेल में दे सकते हो वैल्यू और इसके अलावा REM में भी दे सकते हो। अभी जैसे देखो पिक्सेल टू REM, सिंपली हम लोग क्या करते हैं पिक्सेल और REM यूज करते हैं, ज्यादातर जो है ना हम लोग REM यूज करते हैं। एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं ना CSS का कि भाई अपनको रिस्पॉन्सिव बनाना है वेबसाइट, तो उसके लिए हम लोग जो है ना REM ज्यादा यूज करते हैं, पिक्सेल ज्यादा यूज नहीं करते। तो उसके लिए तुम लोग जो है ना सर्च कर सकते हो कि भाई कन्वर्ट कैसे किया जाता है। REM टू पिक्सेल में कन्वर्टर भी रहता है कि भाई 1 पिक्सल कितना REM के इक्वल होता है, वो सब तो तुम लोग वो सब देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो हेडर है इंडेक्स के अंदर जो हमारा एक हम लोग लिंक करते हैं हमारी फाइल को, लिंक कोलन CSS, यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता हूँ CSS CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS, यहाँ पे भी CSS अप्लाई होते जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ ये सबको हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ मैं, हाइट देखे हमने। अब हम लोग क्या करेंगे इसकी विड्थ वगैरह सेट करते हैं, तो इसकी विड्थ मैं डाल देता हूँ विड्थ 80% रख देते हैं, और मैं इसका बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड। देखो ओके, मार्जिन वगैरह भी मैं डाल देता हूँ। ओके अभी देखो, और मैं अभी हमारा क्या हो रहा है जो हमारा पोर्टफोलियो है वो एकदम ऊपर चले जा रहे हैं, बट हमको एकदम ऊपर नहीं चाहिए, उसको थोड़ा नीचे लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट से मैं उसको L0 देता हूँ और टॉप भी 0 देता हूँ, और इसके अलावा मुझे इसमें मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा। इसमें अगर मैं ऊपर से मार्जिन ऐड करता हूँ, मार्जिन फॉर एग्जांपल 1 REM,
तो ज्यादा हो गई ना, उसको मैं 0.5 आरईएम डालता हूँ। ये देखो ये ठीक है, बट लेकिन मुझे खाली टॉप से देना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप डाल देता हूँ। ओके, और सिमिलरली अभी मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और उसको एडजस्ट करता हूँ कि भाई मुझे कितनी वैल्यू सही रहेगी। मेरा हेडर है, हेडर के अंदर मैंने मार्जिन मैं 0.4 करूँ, 0.3 करूँ, 0.2 करूँ, 0 करूँ, हाँ ठीक है चलो 0। मार्जिन टॉप जो है ना मेरा, उसको मैं 0 डाल देता हूँ। अगर तुम खाली 0 लिखोगे ना, तुम कुछ नहीं भी लिखोगे इसके साथ, लाइक पिक्सेल या आरईएम या परसेंटेज, तो भी चलता है। ठीक है, तो देखो अभी करेक्ट हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड का मुझे कलर अप्लाई करना है। मैं मेरी पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट, मुझे मेरी पूरी स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। मुझे तुमको पहले मैं सीएसएस की डिज़ाइन बताता हूँ। मेरा कैमरा बंद था, अच्छा स्क्रीन शॉट मैंने लिया था और ये मेरा फर्स्ट है। ओके, हाँ अभी ओपन हुआ, इसको बंद करो। और इसके अलावा स्क्रीन वन शेयर करो, स्क्रीन शेयर किया, हाँ स्क्रीन दिख रहे ना मेरा, एक मिनट ना, ठीक है तो हाँ अभी ये डिज़ाइन दिख रहा है ना आप लोगों को, जो मैंने डिज़ाइन आपको शेयर किया था उसके अंदर कैसा था, यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो लिखा था और यहाँ पे हमारा जो है राइट साइड में होम अबाउट सर्विस प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट ये दिया हुआ था। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, सिंपली ये और ये, अभी मुझे इन दोनों को जो है बाजू बाजू में करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो मुझे जाके देखना पड़ेगा कि मैंने क्या यूज़ किया है। पहला मेरा जो है हेडर, हाँ हेडर के अंदर मैंने एक ए टैग यूज़ किया है और ए टैग पोर्टफोलियो है, क्लास पोर्टफोलियो, और दूसरा जो है नेव टैग है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नेव को यूज़ किया मैंने, नेव को डिस्प्ले किया, लाइन ब्लॉक किया, और इसके अलावा देखो अभी, अब जब मैंने इसको देखो इनलाइन ब्लॉक किया तो ये सब एक लाइन में आ गया। ठीक है, क्या करता हूँ इसके अंदर मैं सिंपली अभी तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ कि मार्जिन अप्लाई करके दिखा दो। मार्जिन लेफ्ट जो अगर पोर्टफोलियो और ये जो होम दिया हुआ है, होम इन दोनों के बीच में अगर मुझे पहले तो बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, तो तुम लोग को भी समझेगा कि अपन किस पे काम कर रहे हैं। 1 pixel सॉलिड, हाँ अभी ये जो दिख रहे ना हमारा पोर्टफोलियो और ये होम से पहले जो रेड लाइन, उसके बीच में हमको जो है स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर जा रहा है मेरा, तो बॉर्डर के बाहर आता है मार्जिन, तो मैं सिंपली क्या करूँगा मार्जिन, बट मुझे खाली लेफ्ट में चाहिए, तो मार्जिन लेफ्ट में अप्लाई करूँगा पाई आरईएम। देखो पाई आरईएम किया तो ये चले गया। अब मैं और अप्लाई करके देखता हूँ, 10 आरईएम करके देखता हूँ। और मुझे करने 10 आरईएम ज़्यादा हो गया, 15 आरईएम ज़्यादा हो गया। ओके, तो देखो अभी ये मेरा पोर्टफोलियो जो है, ये पोर्टफोलियो एक साइड में चले गए हेडर के,
एक्चुअली अपन ने हेडर को भी बॉर्डर दिया है ना, तो ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर है वो हेडर का बॉर्डर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर मैंने विड्थ सेट किया है ना, अब मैं इसमें मार्जिन डालता हूँ, मार्जिन मार्जिन ऑटो। देखो अभी मैंने मार्जिन ऑटो किया ना, तो इसने सिंपली क्या करता है, मार्जिन ऑटो जब तुम करते हो ना, तो जो तुम्हारे लेफ्ट और राइट की मार्जिन होती है ना, वो ऑटोमेटिक जो है एकदम सेंटर में लाके दे देता है, इतनी सेट कर देता है कि जो तुम्हारा कंटेनर है, जो भी तुम्हारा एलिमेंट है, वो ऑटोमेटिकली जो है सेंटर में आ जाए। तो देखो अपने हेडर जो है सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर हाइट भी हम सेट कर देते हैं, मार्जिन हाइट भी हम जो हेडर की हाइट सेट करते हैं, तो इसकी हाइट अपन डाल देते हैं 10 आ रही है। एक काम करता हूँ, VH यूज करता हूँ। हाइट और विथ के लिए तुम लोग जो है एक और चीज होती है VW, विथ के लिए, और हाइट के लिए VH। VH जो होती है ना व्यूपुट हाइट होता है, तो जनरली हम लोग जो है हाइट वगैरह के लिए VH यूज करते हैं और विथ के लिए VW यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हाइट तो थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो इसको मैं कम करता हूँ। बाय, ये मेरा हो गया। अब इसके अंदर चलो पैडिंग देखते हैं, अपन पैडिंग अप्लाई होती है P10। अभी जब मैंने पैडिंग अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसको मैं देखो मैं इसको कमेंट किया, तो देखो मेरा जो हेडर था, हेडर के जो टॉप का बॉर्डर था और पोर्टफोलियो, उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस डिस्टेंस नहीं था, बट जैसे ही मैंने पैडिंग अप्लाई किया तो ऊपर का डिफरेंस आ गया। ये पैडिंग मैंने चूंकि पैडिंग लिखा है, तो ये चारों साइड अप्लाई हुई है, टॉप में भी, टॉप में, राइट में, बॉटम में और लेफ्ट में। अगर मैं इसको पैडिंग टॉप करूं तो देखो पैडिंग टॉप खाली अप्लाई हुई है। समझ में आया, इतना सबको क्लियर है? यस, ओके। हाँ तो अभी हम जो फिर से देखो, अब क्या है, पोर्टफोलियो की साइज देखो थोड़ी बड़ी है, होम वगैरह का फॉन्ट वगैरह भी बड़ा है, तो अपन जो फॉन्ट देखते हैं, हमारा देखो कितना छोटा सी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो हमारा हेडर, क्लास हेडर है, उसके अंदर हमने जो है टैग यूज किए, ए टैग यूज किए है ना, तो मैं क्या करता हूँ डॉट हेडर लिखता हूँ, उसके बाद ए टैग डाल। तो ये देखो मैंने क्या किया, पहले डॉट हेडर लिखा हूँ क्लास, उसके अंदर ए लिखा हूँ, उसके मतलब स्पेस दे के लिखा हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है, वेब ब्राउजर जब ये देखते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसको समझ में आता है, हाँ भाई मुझे एक क्लास है डॉट हेडर करके, उसके अंदर जाना है, तो उसके अंदर जाएगा, तो उसके बाद बोला कि उसके अंदर जो है ना एक ए टैग है, उसके अंदर के जो भी ए टैग है ना, मुझे उसको टारगेट करना है और उसके ऊपर मुझे CSS अप्लाई करना है। तो आप देखो, अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, पहले तो मैं एक देखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको मैं कर देता हूँ नन। तो देखो टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने किया ना नन, तो इसकी अंडरलाइन जो थी ना वो हट गई। बाय डिफॉल्ट जो हमारी लिंक होती है ना, उसकी बाय डिफॉल्ट जो है अंडरलाइन रहता है, तो उसको हमने हटा दिया। अभी हम उसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मैं डाल देता हूँ 50 पिक्सल। देखो बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल दे दिया मैंने। तो देखो एक्चुअली इसको फिर मुझे कम करना पड़ेगा, अभी भी ज़्यादा है। अभी देखो फॉन्ट जो है चेंज हो गया, फॉन्ट साइज चेंज हो गई। इतना समझ में आया ना सबको? हेलो, यस, ओके। एक्चुअली मेरे को अभी CSS की और भी प्रॉपर्टी आपको बताना है। अभी हम लोग जो है ना, इसके बाद बॉक्स वगैरह तो देख, हमारा जो ये बॉक्स था ना, ये बॉक्स, इसको जनरली हम लोग जो है बॉक्स बोलते हैं। अभी हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि बॉक्स के अंदर हम लोग जो है मार्जिन वगैरह अप्लाई कर रहे हैं।
बट आगे जाके हम लोग जो है ना लेआउट देखेंगे. सीएसएस के अंदर लेआउट होता है, दो तरीके का लेआउट होता है, एक ग्रिड लेआउट होता है और एक फ्लेक्स बॉक्स होता है. तो हम लोग जो है अभी फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे. जब फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे ना तो इतना अपने को झंझट नहीं रहेगा कि भाई मार्जिन की वैल्यू क्या सेट करना है, इतना कुछ नहीं, ऑटोमेटिक वो सब होते जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग और डिजाइन को मैं देखता हूँ. चार्जिंग डाउन हो गई. मैं मेरा कैमरा बंद भी रहेगा चलेगा ना? चार्जिंग लगा देता हूँ. चलो चार्जिंग लगा देते. ओके ठीक है. चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम वापिस इसमें फर्स्ट में आते हैं. फर्स्ट में आके तो देखो, फर्स्ट में भी अप्लाई हो गया. अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, फ्लेक्स के फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है. फ्लेक्स इन सी एस एस बड़ा करता हूँ. तो ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स है. फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, जो हमारे कंटेनर वगैरह होते हैं, जो हमारे एलिमेंट वगैरह होते हैं, उसको हमको अलाइन करना रहता है, असाइन करना रहता है. तो उसके लिए हम लोग जो है फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं. अभी जैसे देखो, सिंपली ये देखो, इसके अंदर कैसे फ्लेक्स के अंदर यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई है और इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहे हैं, कोई चीज़ एंडिंग में आ रहा है. तो हमारा देखो, हमारा कैसा था, हमारा ऐसा था ना कि हमको फ्लेक्स को पोर्टफोलियो को यहाँ रहने देना है और ये जो हमारा नया पे आ रहा है, जो रेड कलर का बॉक्स है हमारा, उसको हमको इस साइड अलाइन करना है. तो हम लोग वो कैसे करेंगे तो वो हम लोग देखते हैं. अभी देखो, मैंने मार्जिन रखा था, तो मैंने जब साइज़ बढ़ाया मेरे वेब पेज की, तो मार्जिन इतनी ही रही, ये इतना डिस्टेंस चले गए. लेकिन अगर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे हमें मैं कितनी भी साइज़ छोटी बड़ी करूँ तो मुझे यहीं पे आना चाहिए, तो वो कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं. तो उसके लिए हम लोग सिंपली जो है ना फ्लेक्स यूज़ करते हैं. मैं क्या करूँगा, मेरा जो हेडर है मैं उसको फ्लेक्स बनाता हूँ हेडर के अंदर. मैं ये सब हटाता हूँ. डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स सेट करने के लिए आपको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज करना रहता है और उसकी वैल्यू आपको फ्लेक्स सेट करना रहता है. समझ में? अगर तुमको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स. अब ये जो है तुम्हारा डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा. अभी मैं ये इसको हटा देता हूँ, नेव को हटाता हूँ, नेव का मार्जिन हटाता हूँ. अभी देखो, मैंने जब डिस्प्ले फ्लेक्स किया हेडर को, मेरा एक्चुअली हायरार्की कैसे है, सबसे पहले जो ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है ना वो मेरा हेडर है. उसके अंदर मेरा एक ए टैग है जिसके अंदर मैंने पोर्टफोलियो लिखा हूँ, और दूसरा मेरा नेव टैग है, नेव बार, नेव एलिमेंट है, जो कि रेड कलर का बॉक्स है ना वो नेव है. तो जैसे ही मैंने हेडर को डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना, तो वो दोनों को रो में लेके आ गया. अभी देखो, डिस्प्ले के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टी होती है. डिस्प्ले करके डिस्प्ले का डायरेक्शन होता है, तो सॉरी फ्लेक्स का. जब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन लिखूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ देता है. अभी देखो, फ्लेक्स मेरे को कॉलम दिखा रहे हैं. तो जब मैंने फ्लेक्स को कॉलम किया ना, अभी इसकी मैं हाइट जो है ना, अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. तो देखो, ये कॉलम किया ना मैंने, तो पोर्टफोलियो को उसने पहले ले लिया, फिर उसके नीचे जो है इसको कर दिया हमारे नेव बार को. अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं कॉलम रिवर्स करता हूँ. तो देखो क्या हुआ, मेरा होम टैग ऊपर चले गया, नेव बार ऊपर चले गया, और पोर्टफोलियो जो ए टैग था वो नीचे आ गया. हालांकि HTML में हमने उसको ऐसा, HTML में हमने ए टैग को ऊपर रखा था और नेव बार को, जो नेव टैग है जो हमारा, उसको नीचे रखा था. लेकिन देखो, जब मैंने फ्लेक्स इसका रिवर्स किया ना, कॉलम रिवर्स, तो दोनों रिवर्स हो गए. सिमिलरली मैं इसमें और भी चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स. तो देखो, रो रिवर्स अप्लाई किया ना मैंने, तो पोर्टफोलियो बाद में चले गया और नेव टैग जो है वो पहले आ गया. समझ में आया तुम लोग को?
डिस्प्ले फ्लेक्स और कमेंट कर देता हूँ और फ्लेक्स डायरेक्शन। तो अभी बेसिकली हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन हमको ऐसे ही चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट की बहुत सी वैल्यूज होती है। अभी जैसे देखो मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, तो मैं इसकी हाइट भी दे देता हूँ और तुम लोग को समझ में आएगा। अभी जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर किया तो देखो मेरा जो पोर्टफोलियो था वो और जो मेरा नेवबार था वो दोनों जो है मेरा बीच में आ गए। समझ में आया ना? अभी इसमें मैं चेंज करता हूँ, देखो इसको मैं और चेंज करता हूँ। अभी मैं एंड करता हूँ, देखो एंड में चले गया। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी स्टार्ट रहती है, यहाँ पे जब तुम डालोगे ना तो इसकी इसके बारे में अलाइन फ्लेक्स आइटम अलोंग द मेन एक्सिस। अभी देखो यहाँ पे मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो ये जो फ्लेक्स स्टार्ट दिखा रहे हैं ना ये जस्टिफाई स्टार्ट जस्टिफाई कंटेंट जो है ना उसकी वैल्यू अगर तुम स्टार्ट रखोगे तो तुम्हारा सब स्टार्ट में रहेगा, अगर एंड रखोगे तो सब एंड में आएगा, सेंटर करोगे तो सब सेंटर में आएगा। इसके अलावा फ्लेक्स बॉक्स के अंदर दो चीज़ होती है, एक मेन एक्सिस होती है और एक क्रॉस एक्सिस होती है। कोई अच्छी सी, हाँ इसमें देखो, इसमें देखो तुम्हारे को देखो नीचे बता रहा है कि मेन एक्सिस, जब तुमने डायरेक्शन जो तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखोगे ना तो तुम्हारी मेन एक्सिस इस तरह होगी हॉरिजॉन्टली और तुम्हारी जो क्रॉस एक्सिस होगी वो वर्टिकली होगी। तो जो जस्टिफाई कंटेंट होते हैं ना, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर जब तुम कुछ भी अप्लाई करते हो ना तो वो तुम्हारी मेन एक्सिस पे अप्लाई होता है, समझे। और अलाइन आइटम करके एक और प्रॉपर्टी होती है, तो वो जब तुम अप्लाई करोगे ना तो वो तुम्हारा जो है क्रॉस एक्सिस पे अप्लाई होगा। इतना समझ में आया ना? हाँ ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अभी मैंने सेंटर किया तो दोनों सेंटर में हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, पोर्टफोलियो तो मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए और मेरा होम अबाउट वगैरह जो उसको मुझे राइट साइड में चाहिए। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस बिटवीन, मैंने स्पेस बिटवीन किया ना तो मेरे को दोनों साइड जो है अप्लाई हो गया, मेरा पोर्टफोलियो लेफ्ट साइड में चले गया और मेरा ये सब जो लिंक है वो राइट साइड में चले गया। इतना समझ में आया? ओके यस ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, हमारा जो वेब पेज है हम लोग को उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मेरा बॉडी टैग जो है उस पर जाता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है उसको सेट करता हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर जो है ना वो वाइट डाल देता हूँ। देखो अभी मेरा बैकग्राउंड कलर सेट हो गया और मेरा ये पोर्टफोलियो का ये भी दिख रहा है और हमारा जो डिज़ाइन था उसके हिसाब से हमने अप्लाई किया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि जो मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन है, मैं फॉन्ट हटा देता हूँ अभी यहाँ से। अब ये मैं आया फर्स्ट में, ये देखो मैंने ए टैग को लोगो क्लास दिया हूँ, पोर्टफोलियो जिसको लिखा है, तो मैं उसको टारगेट करता हूँ और लोगो के अंदर मैं दूंगा फॉन्ट साइज 3 आरएम, बढ़ा के देखता हूँ 13 आरएम। ओके ओ लोगो है ना, मैंने लॉग लिखा है खाली।
इसको आरईएम में भी दे सकते हो, तुम इसको पिक्सल में भी दे सकते हो। तो अभी सिंपली अपन जो है 25 पिक्सल अभी अगर मैं देता हूँ तो देखो इतना ठीक है चलेगा। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, पैडिंग में 3 डाल देता हूँ, 3 पिक्सल यानी 3 पिक्सल। ओके ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे जस्टिफाई किया ना वैसे मैं अलाइन भी करता हूँ। अलाइन आइटम, अलाइन आइटम में क्या करता हूँ, सेंटर करता हूँ। और तो फिर मैं यहाँ से अगर पैडिंग हटा भी दूंगा ना तो भी चलेगा। तुम लोग को अगर पैडिंग देना है ना बीच में वाके में तो तुम लोग दे सकते हो, बट मुझे नहीं देना था तो मैंने हटा दिया। अभी मैंने देखो इसका फॉन्ट जो है मैंने बड़ा कर दिया। अब अगर मैं हेडर का ये हटाता हूँ, बॉर्डर हटाता हूँ, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ना हमारे ये नेव बार जो है हमारा नेव बार, इसको हम लोग टारगेट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, नेव बार के अंदर हमको जो है कलर तो हमको चेंज नहीं करना है। हाँ, कलर वगैरह तो नहीं चेंज करने है। ठीक है, इन सेकंड थिंग नेव बार के अंदर जो है हमारा नेव के अंदर नेव बार के अंदर ए टैग है। ठीक है, तो मैं एक क्लास को पहले टारगेट करके ए टैग को टारगेट करता हूँ। तो क्लास के लिए मैं डॉट डालूँगा नेव बार, इसके अंदर ए टैग, फिर इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो हेडर में मैंने जब हेडर में डाल दिया है तो यहाँ नहीं भी डालूंगा तो मैं चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद फॉन्ट साइज इसकी मैं चेंज करता हूँ। फॉन्ट साइज इसकी मैं देता हूँ 10 पिक्सल। वो देखो 10 पिक्सल दिया ना मैंने, तो थोड़ी जो है बहुत कम हो गई है, 10 पिक्सल बहुत कम है। इसको हम लोग बढ़ाते हैं अपने अकॉर्डिंगली। 5 पिक्सल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, 15 पिक्सल। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है पहले बॉर्डर अप्लाई करके दिखाता हूँ। 1 पिक्सल सॉलिड। हाँ, तो देखो अभी बॉर्डर आया ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मार्जिन अप्लाई करता हूँ। मार्जिन टॉप और बॉटम में ठीक ही रहने देता हूँ, और फिर यहाँ पे 1 पिक्सल मैं अगर करूँ तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखो अभी मैंने मार्जिन अप्लाई किया, मार्जिन में मैंने क्या किया, पहले 0 लिखा हूँ मैं, फिर उसके बाद 5 पिक्सल लिखा हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर मार्जिन में पहले 0 लिखा ना तो यानी वो टॉप और बॉटम में 0 पिक्सल लेगा, और बाद में जो उसके बाद सेकेंड वैल्यू है ये लेफ्ट और राइट की मार्जिन जो है वो 5 पिक्सल लेगा। तुम ऐसे ही अगर तुमको चारों अलग अलग देना है तो तुम ऐसे दे सकते हो, 0, 5 पिक्सल पहले जो है तुम 0 पिक्सल, फिर उसके बाद 5 पिक्सल, फिर बॉटम में ये राइट साइड की हुई, बॉटम में तुमको 0 देना है तो 0, फिर लेफ्ट साइड में भी 5 देना है तो तुम 5। ठीक है, ये तुम्हारी अप्लाई होगी, ऐसे भी तुम दे सकते हो। इतना समझ में आया? हेलो, यस, ओके, ठीक है। तो तुम लोग जो है इतना मतलब अगर तुम लोग को समझ में आ गया ना तो तुम लोग अपना नया ये जो है ना हमारा हेडर, तुम लोग ये अपना अपने हिसाब से तुम लोग अब इसको डेकोरेट कर सकते हो। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, अभी देखो यहाँ पे मेरा यानी अपना पूरा खेल जो रहता है ना वेब डेवलपमेंट में पूरा फ्लेक्स पे अपना रहता है। अब दूसरी चीज़ जैसे देखो अभी मैं फर्स्ट वाले पे आता हूँ मोहम्मद रजा शरीफ, ये मेरा हेडर बन गया। अब दूसरी चीज़ जो है मैं ये हेडर हो गया मेरा। एक्चुअली सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है यही CSS, क्योंकि CSS ज़्यादा टाइम लेता है हमारा, इसलिए ज़्यादा टाइम जा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा दूसरा चीज़ डालता हूँ, फर्स्ट पे आता हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो दूसरा है होम सेक्शन मैंने ऐड किया है, जो अभी अभी मैंने ऐड किया,
इसको मुझे टारगेट करना है, तो मुझे होम को टारगेट करना पड़ेगा। तो होम क्लास है मेरी, होम, होम के अंदर मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर पहले सेट करता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस ये कि सबसे पहले तुम बॉर्डर सेट कर दो, तो तुम लोगों को भी जो है आसानी होती है कि तुमको कब मार्जिन अप्लाई करना है, पैडिंग कब अप्लाई करना है, वो सब चीज़ के लिए। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, सिंपली विथ जो है इसकी भी मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, एक यहाँ पे सेक्शन बनाता हूँ, उसकी विथ जो है 80% सेट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ होम पे आता हूँ, मार्जिन इसकी मैं ऑटो डाल देता हूँ। ये मेरा भी जो देखो, ये मेरा हो गया। अब इसके अलावा मुझे इसमें टॉप में मार्जिन अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप मैं डाल देता हूँ 5 पिक्सल। देखो मेरा ऊपर से थोड़ा सी गैप आ गया है, और अगर मैं नहीं भी अभी अपना हेडर जो है ना, मैंने तो इतना ही किया है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से डेकोरेट कर लेना। तो मेरा हेडर मैं समझता हूँ कि रेडी हो गया, तो मैं ऐसे इसको बॉर्डर हटा देता हूँ, और इसके बाद मेरा जो यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जो है सेक्शन, अभी इसके बाद देखो, हेलो इट्स मी, फिर उसके बाद रजा है, फिर उसके बाद आयमा, ओके ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो है ना, मैंने सिंपली क्या किया हूँ, जो मेरा होम क्लास है ना, उसको मैंने फ्लेक्स रखा हूँ। फ्लेक्स रखने के बाद मैंने क्या किया हूँ, एक पोर्ट का है मेरा। सिंपली अपन क्या करेंगे कि जो अपना होम क्लास है ना, इसको अपन फ्लेक्स फ्लेक्स इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा पहला डिव है ये, तो ये एक साइड आ जाएगा, और ये जो इमेज है हमारी वो दूसरी साइड आ जाएगी ऑटोमेटिकली। एक्चुअली मैंने इमेज अभी ऐड नहीं किया था, तो इसलिए मेरी इमेज बता नहीं रही है। मैं इमेज भी डाल देता हूँ, इमेजेस के अंदर मेरी सारी इमेज को डाल देता हूँ। ये मेरा इमेज, मैंने अपनी इमेजेस भी डाल दिए, ओके। अब अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे मेरी इमेज भी आ गई है ना। और सिंपली अब क्या करता हूँ, मैं स्टाइल के अंदर जाता हूँ, होम को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, इमेज क्या हुए, इमेज की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मुझे इमेज की साइज को भी पड़ेगा, इमेज की साइज में चेंज करता हूँ। अभी मेरा किसके अंदर है, होम के अंदर मैंने एक और डेव बनाया होम इमेज, तो उसकी साइज में सेट करूँगा। होम के अंदर होम ओपन इमेज, इसमें मैं विड्थ दे देता हूँ इसकी NVW 4 IG। हाँ, तो इसको मैं जो है 50 करके देखता हूँ। हाँ 50 इनफ, अच्छी है, ठीक है 55। हाँ 40 सही रहेगा, तो मैंने इसको 40 सेट कर दिया। तो देखो ये ऐसा हो गया, मेरा ये सारी चीज़ एक साइड में आ गई और मेरा इमेज एक साइड में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मुझे जो है सेंटर में करना है, मतलब इसको ये जो मेरा होम टैग है, होम पेज है, होम टैग है ना मेरा, जो बॉर्डर दिख रहे हैं उसमें हेलो आई एम और मोहम्मद रजा शेख आई एम आई ये सब जो दिख रहे हैं ना, इसको मुझे सेंटर में करना है होम टैग के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, होम टैग के अंदर अलाइन आइटम, जो प्रॉपर्टी मेरी अलाइन आइटम, उसको मैं सेंटर कर दूँगा। तो देखो ये ऑटोमेटिकली मेरा सेंटर में आ गया। इतना समझ में आया सबको? हेलो, यस,
ओके तो ये इसके हिसाब से इतना हुआ अपना। अब उसके बाद जो है आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड रेज्यूमे जो है ना उसका हम एक क्लास बनाएंगे बटन क्लास करके, उसको मैं साइड में खोल लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरा डाउनलोड रेज्यूमे करके मैंने डाला था उसको मैंने एज अ बटन डाला था। देखो यहाँ पे मैं क्लास डाउनलोड रेज्यूमे और यहाँ पे मैंने क्लास BTN दी है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, CSS अप्लाई करूँगा एक BTN के ऊपर। इतना आप लोग का भी हुआ है क्या, आप लोग भी साथ साथ में चल रहे हैं? हेलो, यस, अपन जो है ना इसको BTN अप्लाई करेंगे बटन। तो मैं जाता हूँ इसमें और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ .b.btn। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हमको जो है बहुत सी चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं इसके अंदर, बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ मैं पहले। तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कुछ भी सेट कर सकते हो तुम। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया यहाँ पे #, ठीक है, हाँ तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं 2 RM रखा। हाँ, फिर उसके बाद फॉन्ट साइज वगैरह भी तुम चेंज कर सकते हो पेज के अंदर, जो फॉन्ट रहेगा फॉन्ट साइज लोग 5 RM डाल देता हूँ। हाँ, ये बड़ा दिख रहा है थोड़ा, लेकिन जब इसको जब बड़ा करूँगा तो थोड़ा सही दिखेगा। ये एक्चुअली अभी ऐसा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है बट, लेकिन इसको तुम लोग जो है ना अपने हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हो कि मतलब तुम लोगों को जितना रखना है। अभी देखो इसके अलावा फिर मैं इसमें एक और चीज़ दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में 15 pixels डाल के देखता हूँ। देखो 15 pixels सही लग रहा है, तुम लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेना, मेरे हिसाब से तो सही है। अभी जैसे मेरे को एक मिनट, होम टैग के अंदर मैंने होम के अंदर होम कंटेंट है, होम कंटेंट के अंदर होम टैग है, उसके अंदर मैंने ए टैग कहाँ पे यूज़ किया है, सोशल मीडिया और ए, ठीक है, होम के अंदर का ए मैं सेट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, .home, इसके अंदर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो है नन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से हट गया। अभी सिंपली क्या होएगा, ये तो हो गया मेरा। फिर इसके बाद अभी जैसे मेरे को ये जो डाउनलोड रेज्यूमे लिखा है इसको मुझे बोल्ड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक है फॉन्ट वेट करके। फॉन्ट वेट के अंदर तुम कोई सी भी वैल्यू सेट कर सकते हो, 900 मतलब एकदम बोल्डेस्ट रहेगा, और थोड़ा थोड़ा 300 मतलब थोड़ा सी बोल्ड रहेगा, 400 उससे थोड़ा ज़्यादा बोल्ड रहेगा। तो अभी सिंपल मैं बोल्डर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखो ये बोल्डर हो गया। ठीक है, अभी उसके बाद मैं दूसरी चीज़ तुम लोग को मेन चीज़ बताता हूँ कि जैसे मैंने अगर यहाँ पे डाला .btn:hover जो हमने डाले ना, ये सूडो क्लास होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि नेम क्लास, आईडी क्लास और नेम सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, तो ऐसे ही जो क्या बोलते हैं हमारा ये कोलन होवर है ना, ये हमारा सूडो सिलेक्टर होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ कि कलर होवर करने पे क्या हो, होवर करने पे कलर जो है ना मैं ये डालता हूँ, और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती बॉक्स शेडो करके,
फॉग शैडो पहले मैं सेट कर देता हूँ 0 2 1 बाद इसका कोई कलर सेट कर दो, कोई अच्छा सा कलर होगा क्या? कोई अच्छा सा कलर चलो यही डाल देता हूँ हैश 0 RM। अब देखो, देखिए जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा जो है टेक्स्ट का कलर चेंज हो जा रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि ब्राइट चमक रहे हैं। अभी जैसे तुमको बॉक्स शेडो जो देखना है ना, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अटैच वन और मोर ड्रॉप शेडोज, यानी जो तुम्हारा ड्रॉप शेडो है ना वो असाइन करता है। इसमें जो मैंने पहले 0 डाला है ना, अभी इसको चलो अपन MDN करते। ये देखो MDN करोगे ना तुम, तो तुमको बताएगा यहाँ पे, तुमको सारी डिटेल मिलेगी कि तुम जो पहले अगर सबसे पहले जो डाले हो 60 पिक्सल, तो यानी ये ऑफसेट एक्स लिखे, ऑफसेट एक्स मतलब जो तुम्हारा एक्स डायरेक्शन होता है ना, एक्चुअली मैं यहीं पे हूँ ना इसमें, हाँ तो ये देखो ये जो तुम्हारा बटन है, ये बटन, तो इसमें ये एक्स डायरेक्शन रहेगा तुम्हारा, जो डाउनलोड रेज्यूमे टाइप लिखा है ना, ये एक्स डायरेक्शन रहेगा ऑफसेट एक्स, और जब तुम ऊपर से नीचे आओगे तो ये तुम्हारा ऑफसेट वाई होता है। तो वही बोला है कि ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई। अभी हमने क्या किया है, हमने 4 चीज अप्लाई की है। पहला जो है हमारा, पहला हमारा ऑफसेट एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में हमने 0 रखे, वाई डायरेक्शन में भी हमने 0 रखे 2 RM। 2 RM जो है ना वो ब्लरनेस है कि भाई कितना ब्लर रहना चाहिए। अभी इसको मैं चेंजेस करके बताता हूँ। अभी जैसे देखो मैं इसको 10 करता हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो ये देखो सॉरी मैंने इसे इस पे आना चाहिए, तुम्हें ये अप्लाई क्यों नहीं होगा। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, देखो इसको मैंने 2 किया और 1 देना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे भी इसने दिया होगा। देखो अपन ने जो है ना एक्चुअली ये वाली चीज अप्लाई की है, पहले ऑफसेट एक्स दिया है, फिर ऑफसेट वाई दिया है, फिर ब्लर कितना रखना है, फिर उसके बाद ब्लैक कितना रखना है। तो ये आला देखो, अभी देखो मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज करता हूँ, एक्चुअली ना मैं यहाँ पे मुझे पिक्सल भी डालना था बट मैंने पिक्सल डाला नहीं था। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 पिक्सल और अब करता हूँ तो देखो, और अगर मैं इसको 10 डालूंगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, और इससे साथ साथ मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना होता है। तुम लोग चाहो RMD पे जाके MDN पे जाके चेक कर सकते हो। तुमको सिंपली इस पर होवर करना है तो तुमको यहाँ पे MDN करके आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो तुमको ओपन का ऑप्शन देगा, पॉपअप करेगा, तो तुमको समझ आएगा। अभी देखो जैसे ही जैसे मैं इसको चेंज करूँगा, इसको मैं 110 कर देता हूँ, तो देखो एक्स डायरेक्शन में कैसे वहाँ चले गया, और अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन में चेंज करूँ तो देखो ये नीचे चले गया, और अगर इसको मैं ब्लर बढ़ाऊँ तो ब्लर होते जाते हैं और ये कलर होता है। सिंपली ये है। तो ये हमने बटन का भी देख लिया। अब सिमिलरली तुम जो भी बटन वगैरह बनाओगे तो तुमको सिंपली क्या करना है, मतलब तुम्हारे पूरे वेब पेज के अंदर तुम जहाँ जहाँ भी चलते रहे बटन बनाना रहेगा ना, तुमको बटन बनाना रहेगा, उसको तुम सिंपली अगर .btn क्लास यानी उसकी क्लास btn डाल दोगे ना, तो ये इफेक्ट जो है ना वो उस पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके अलावा और भी जो हमने देखा था, जैसे ये देखा इसमें भी हमने रीडमी का बटन डाला है, तो रीडमी जो बनाए ना हमने उसको भी हम अगर क्लास btn डालेंगे ना तो इस पर भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुमको ये वाली चीज़ अगर अप्लाई करना है तो तुम क्या करोगे, अबाउट मी जो सेक्शन है ना हमारा, चूँकि टाइम हो गया तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले आऊँ। तो देखो अभी जैसे ये अबाउट मी का सेक्शन है,
तो ये अबाउट मी के सेक्शन को तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक अबाउट मी बनाना पड़ेगा, डॉट अबाउट हाइफन मी क्लास बनाना पड़ेगा एक सी एस एस क्लास, फिर उसके बाद ये सॉरी अबाउट है ना, और इसको तुमको डिस्प्ले जो है फ्लेक्स करना पड़ेगा। इसको अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा इमेज है और ये सब जो है तुम्हारी ये चीज़ें अबाउट मी फ्रंट एंड डेवलपर और तुम्हारा जो डिस्क्रिप्शन है हेलो और रीडमी ये ऑटोमेटिकली एक रो में आ जाएगा। इतना समझ में आया सबको? यस। हाँ, फिर उसके बाद जो तुम्हारा ये देखो जैसे यहाँ पे दिया है हेलो इट्स मी, तो इसको तुम लोग को सिंपली हाँ मोहम्मद रजा आई एंड आई एम, तो ये सबको तुमको सिंपली जो है ना तुम्हारा जो मार्जिन पैडिंग है उससे तुमको खेलना है। और तुम लोग चाहो ना तो तुम लोग जो है लेक्चर सेशन के बाद फ्लेक्स बॉक्स को और तुम लोग जो है एक्सपांड एक्सप्लोर कर सकते हो। फ्लेक्स बॉक्स बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको उसको पढ़ाने में अपना बहुत अच्छा खासा टाइम चले जाएगा। तो इसलिए तुम लोग जो है बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उतना मैंने बता दिया, उतना यूज करके तुम लोग जो है ये बना सकते हो अबाउट मी को भी। फिर उसके बाद और सर्विस, और सर्विस के अंदर देखेंगे हम लोग बाद में। मेरे ख्याल से टाइम हो गया तो आज के लिए इतना ही इनफ करते हैं। बाकी का जो है हमारा सर्विस वाला वो हम लोग जो है कल देखते हैं, क्योंकि सर्विस में हमको बहुत ज़्यादा सीएसएस अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें ही हमारा अच्छा खासा टाइम चले जाएगा। तो इतना तुम लोग का हुआ है क्या जितना भी हमने अप्लाई किया? इसमें तुम लोग को कोई डाउट है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सॉरी मुझे लगा मेरा इंटरनेट गया। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी जो है कल देखते हैं, क्योंकि टाइम हो गया ऑलमोस्ट, मेरी बैटरी भी डाउन हो गई है, ऑलमोस्ट 8% बची। इसके अलावा कल जो है ना हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस कैसे ऐड करते हैं, कि मतलब अपनी वेब पेज को अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो देखेंगे। और इसके अलावा अगर तुम लोगों को कोई भी इशू वगैरह आते हैं तो वो इशू तुम लोग ग्रुप में सिंपली जो हम लोग से पूछ सकते हो, तो हम लोग वहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम लोग तुम्हारा जो भी डाउट वगैरह है उसको क्लियर कर सके। ओके और इसके अलावा कल हम जो है रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे कि भाई हमारी वेब पेज है अगर वो मोबाइल में ओपन हो रही है तो कैसी दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, और डेस्कटॉप पे यानी लैपटॉप वगैरह में खुल रही तो उसके लिए हम क्या करें। और अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम लोग जो है थोड़ा बहुत एनिमेशन भी देख लेंगे कि भाई सी एस एस में एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं। इतना समझ में आया? यस। हाँ, और आज का जो सी एस एस का जो भी फाइल है ना तो वो तो हम लोग जो है ग्रुप में नहीं भेजेंगे, बट अगर फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ी बहुत जो सी एस एस की प्रॉपर्टी है वो मैं तुम लोग को भेज दूँ, और इसके अलावा जो भी मेरे पास रिसोर्सेस वगैरह हो गए सी एस एस से रिलेटेड जिससे तुम लोग सी एस एस को और एक्सप्लोर कर सकते हो तो वो भी हम लोग जो है शेयर कर देंगे। जिसने आर एस वी पी वगैरह नहीं किए ना अगर तो वो आर एस वी पी कर दो, क्योंकि एक्चुअली ये जो आर एस वी पी है ना ये गूगल की साइट से रहता है, तो आपका जो भी अटेंडेंस है वो उनकी तरफ मार्क हो रहा है कि आपने सेशन अटेंड किया है, तो वो अगर हमको बताना है तो वो हम आर एस वी पी के जरिए ही होता है। समझ में आया? ओके, अभी तो आज की मीटिंग एंड करते हैं हम लोग। अगर तुम लोग को कोई डाउट रहा इसमें इसमें या किसी भी चीज़ में तो तुम लोग जो है ग्रुप वगैरह में पूछ सकते हो, और अगर तुम लोग मुझे पर्सनली भी पूछोगे तो भी मैं बता दूंगा। किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो तुम लोग मुझे बताओ, और जिसका देखते हैं कि किसका सी एस एस सबसे अच्छा होता है। ओके, आप सब ने आर एस वी पी वगैरह कर दिए ना, अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो, वरना हम लोग जो है 5:15 पे मीटिंग एंड कर देते हैं।
हेलो हाँ बोलो ना। फोर में दो बार 10 पिक्सल क्यों लिए हैं? ठीक है लशिक, एक मिनट है मैं वीएस कोड में जाता हूँ। मेरा वीएस कोड का कहाँ पे? ये 10 पिक्सल ना? यस हाँ, एक्चुअली ये बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी है। इससे क्या होता है, अगर तुम कोई भी तुम्हारे टैग पे अप्लाई करते हो ना, तो उस पर एक शेडो आते हैं। तो बॉक्स शेडो अगर तुमको अप्लाई करना रहता है ना, तो उसमें तुमको तुम चार चीज़ असाइन कर सकते हो, वैल्यू चार वैल्यूज दे सकते हो। एक तो है कि भाई तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में कितना रहना चाहिए, तो देखो इसको मैं होवर कर रहा हूँ, तो इसका मैं एक मिनट है मैं इसको पहले कम करता हूँ, इसको 1 पिक्सल रखता हूँ, तो ज़्यादा तुम लोग को बेटर समझ में आएगा। पिक्सल भी बहुत कम हो जा रहा है, 1 rem डाल दो। देखो देखो जुबैर, अभी मैंने इसको 10 पिक्सल रखा हूँ, तो ये जो मेरा इफेक्ट है, तो मेरा जो बटन है ना, बटन उससे राइट साइड में देखो, यहाँ पे मेरे को थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा हुआ, यहाँ पे निकला हुआ दिख रहा है। अगर देखो मैं इसको 100 पिक्सल करता हूँ, तो देखो कितना बाहर जाएगा, देखें वो कितना एक्स डायरेक्शन में, यानी ये हॉरिजॉन्टली वो कितना वहाँ चले गए। अभी ऐसे ही अगर मैं वर्टिकली भी डालूँ, मैं तो मैं कम कर देता हूँ और वर्टिकली बताता हूँ, 100 डालता हूँ, तो देखो ये कितना नीचे चले जाएगा, समझ में आया? यानी जो मेरा शेडो है ना, शेडो एक्स, हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, तो जो फर्स्ट 10 पिक्सल लिखा है ना, वो बता रहा है कि भाई हमारा जो शेडो है वो हमारे, ये जो बटन है हमारा, जो डिव है बटन है, उससे एक्स एक्सिस में कितना कितनी दूर रहे। अगर मैं इसको 0 कर दूं ना, तो देखो अब ये एकदम एग्जैक्ट उसके ऊपर ही है। ये एक्चुअली देखो ठीक है, अभी कोई भी डिस्टेंस थी, मैंने जब सेकंड वाले को, मैंने ये सेकंड वाले की वैल्यू चेंज की थी, तो वो नीचे जा रहा था। अगर मैं फर्स्ट वाले की वैल्यू चेंज करूंगा ना, तो वो ये साइड जा रहे हैं, समझ में आया? हाँ जुबैर, यस। और ये जो 1 rem लिखा हूँ ना, ये ब्लरनेस है। अभी देखो बहुत कम लाइट जल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लाइटनिंग है। अगर मैं इसको ज्यादा कर दूं, तो देखो अगर मैं इसको बहुत ज्यादा कर दूं, तो ये देखो कितना ज्यादा हो रहा है लाइटनिंग, जो उसकी सराउंडिंग में भी यहाँ भी आ रही है ब्लरनेस उसका, समझ में आया? Yes. और ये जो दिया है, ये हमने कलर दिया है कि भाई अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको अपन कुछ ही इस तरीके का कर देते, तो अब देखो अब चेंज हो गया उसका जो बैकग्राउंड कलर, ये उसके बैकग्राउंड में देखो कैसे अलग इफेक्ट आ रहे हैं, ये हटा दे रहा हूँ तो इफेक्ट चेंज हो जा रहा है, ऐसे समझ में आया? तो हमने ये मतलब 4 वैल्यूज क्यों असाइन की थी, हाँ अब्दुल्ला आपको, जुबैर आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? यस भाई। ओके अब्दुल्ला आपको क्या डाउट है? हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि लाइक कभी हम जैसे किसी वीडियोस में देखते हैं कि कुछ जैसे किसी ने कार्ड बनाया अपना नाम पे, स्किल्स का, लाइक अपने स्किल सेक्शन में उसने कार्ड टाइप में कुछ बनाया, ओके तो और उसने ना कोड्स दिया, मतलब दिया उसने कोड का आउटपुट, मतलब दे दिया कि कोड लिख लो आप अपने कोड में ऐड कर लो, तो हमने जैसा वेबसाइट बनाया है, जैसे आपने अभी एक बनाया, तो उसमें कुछ अभी जैसे स्किल सेक्शन में हम ऐड करेंगे, तो उसमें कुछ चीजें देखो सेम रहती है, लाइक अभी हमने डिव करके सेव, डिव में हाँ डिव में मतलब लिस्ट बना के अपनी स्किल्स रखी है, ठीक है हाँ, तो जैसे उसने कुछ और बनाया है जब आपने, मेरी वेबसाइट रन करता हूँ, हाँ ये बोल रहे हो ना आपने, ये हमने हाँ, कार्ड बनाया, हाँ ये आपने कार्ड बनाया लेकिन किसी और ने मतलब कुछ अच्छा चीज, मतलब किसी हाँ, वीडियो में मैंने देखा कि बहुत हाँ, अच्छा लगा मेरे को हाँ, तो अब इसमें मुझे ऐड करना है, तो सीएसएस में थोड़ा बहुत जंबलनेस हो जाता है ना, लाइक उसमें ऐड करो तो
बहुत ज्यादा मतलब कहीं लिस्ट का थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। मैंने ना एक दो बार किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बनाया था ना अपने पोर्टफोलियो, तो उसमें ना मुझे बहुत अच्छा लगा था कोड। जब कोड लेके ऐड किया ना तो कोड मतलब पूरी वेबसाइट मतलब पूरा एकदम बिगड़ गई थी, अलग हो गई थी ऐसा। अच्छा तो क्या हिसाब से मतलब करने का कि जिससे वो कोड ऐड हो जाए बट जिसमें अपनी जो वेबसाइट का जो पुराना कोड है उसको कुछ भी ना हो। ओके तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्सटर्नल सीएसएस जो मैं बोला तो बता दूँ, तो मतलब सीएसएस का कैसा पता है आपको? सीएसएस में आप अपने हिसाब से करोगे ना, मतलब आप कहीं से कोड उठाया और मतलब कहीं से आप सीख रहे हो और कहीं से आपने कोड लिखा है, तो सीएसएस में बेसिकली ना ज्यादातर ना हम ट्रायल एरर ही करते हैं, हम साइज बढ़ा के देखते हैं, हम साइज कम करके देखते हैं, जो हमको सुटेबल लगे ना सीएसएस में करते हैं। सीएसएस में आप एग्जैक्टली साइज नहीं दे पाओगे किसी भी चीज की, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। जैसे रजा ने अभी ट्राई किया ना, जैसे 12th की उन्होंने बताया कि हाँ इससे इतना बड़ा शैड होगा, ऐसे आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो मोस्टली सीएसएस ट्रायल एरर पे होता है, आपको सिर्फ सिंटैक्स याद रखना चाहिए कि क्या करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बस ऐसे। और दूसरी चीज जो मतलब आपने बोला कि मतलब आपकी सीएसएस जो पहले से अप्लाई थी एकदम चेंज हो जाती है अगर आपको दूसरी की सीएसएस, तो एक्चुअली वो क्या होता है सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है कि भाई वो ना ओवरराइट कर देता है चीजों को, समझे? हाँ तो वो समटाइम्स क्या होता है कि अगर तुमने पहले से जो सीएसएस अप्लाई किया है उसके बाद तुमने किसी और एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल को तुमने लिंक किया ना तो वो ओवरराइट हो जाती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यही मैं एरर देखा था, लाइक जैसे लिस्ट का बनाया ना तो उसमें भी लिस्ट थी, तो लिस्ट का ओवरराइट होने का जैसे शायद से मैं सोचा बट मैंने पूछ लेता हूं किसी से, अच्छा रहेगा। तो वो तुम्हारे को वो सब चीजें भी फोकस करना होता है। और उसके अलावा दूसरी चीज अच्छी चीज ये होती है ना कि तुम सिंपली क्या करते हो जब एक्सटर्नल फाइल लेते हो ना तो कोई मतलब कोई सीएसएस तुमको अच्छा लगता है। अभी जैसे मैंने एक सीएसएस का देखना पड़ेगा, मैंने एक सीएसएस बनाया था जो के कैसा था, अभी तुमको एक रन करके दिखाऊंगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ओवर कर रहा हूँ तो ये देखो ये अबाउट सेक्शन का कलर चेंज हो रहा है। हाँ, चेंज हो रहा है। तो मैंने एक सीएसएस बनाया था उसमें क्या था, अगर तुम ओवर करोगे ना तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, एक कलर एक अंडरलाइन का एक वो आ जाएगी, लाइन आ जाएगी अंडरलाइन। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उसका एक अच्छा सा मैंने सीएसएस को इतना सिस्टमेटिक बनाना पड़ा ना कि उसके क्लास बाकायदा क्लास बनाना पड़ता है ताकि अगर कभी मुझे इन केस का फ्यूचर में कभी यूज़ करना है ना तो मैं सिंपली सीएसएस को यहाँ पे मैं लिंक करूँगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिंक करूँगा और उसके बाद मुझे जिसमें भी अप्लाई करना है, जैसे मुझे ये होम नेव बार में अप्लाई करना है तो मुझे बस खाली यहाँ पे मुझे उसका सीएसएस का क्लास का नेम डालना रहेगा, अंडरलाइन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंडरलाइन इफेक्ट से क्लास बनाया था वो एक्सटर्नल सीएसएस में तो मुझे बस सिंपली यहाँ पे अंडरलाइन इफेक्ट डालना रहेगा। तो वो तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर रहता है कि तुम सीएसएस कितने अच्छे से मतलब यूज करते हो, कितने अच्छे से तुमने सीखा है। हाँ सर, उसके हिसाब से क्लास बनाने में थोड़ा बहुत वो रहता है ना, लाइक क्लास अगर ज्यादा बना दे तो फिर सीएसएस मतलब जो अपना कोड लिखने का टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, फिर बहुत ज्यादा एकदम ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा फिर फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं ना, लाइक टेलविंड है, बूटस्ट्रैप है। हाँ एक्चुअली जनरली जो होता है ना हम लोग कस्टम सीएसएस को जितना अवॉइड करना रहता है ना उतना अवॉइड करते हैं। तुमको मालूम है जब तुम सीएसएस अगर तुम सीएसएस सीखते भी हो तो ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादातर सीएसएस को याद नहीं रखते, हम लोग गूगल ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है ना गूगल करते। अगर तुम यूट्यूबर्स लोग को भी देखोगे ना, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को जो मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर, तो वो लोग भी जनरली मोस्टली क्या करते हैं अगर कस्टम सीएसएस यूज कर रहे ना तो लोग सीधा जो है डायरेक्ट गूगल करते कि भाई मुझे ये चीज अप्लाई करना है, इसकी सीएसएस प्रॉपर्टी क्या है, तो ऑटोमेटिक वहां से आते, तो इतना कोई याद नहीं रखते इसकी, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो है ना फ्रेमवर्क सीएसएस के बहुत से फ्रेमवर्क है लाइक बूटस्ट्रैप है, टेलविन है, मटेरियल है, वो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। चूंकि ये हम लोग बेसिक मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के हिसाब से हमने ये वर्कशॉप रखा था तो इसलिए हम लोग जो है मतलब फ्रेमवर्क पे नहीं गए। नहीं मैं भी फर्स्ट ईयर वाला ही हूँ, तो एक मेरे दोस्त ने बोला था वो टीवाई में भी आईटी से है तो उसने भी ये बोला था कि लाइक तुम मत इतना पढ़ सीएसएस, डायरेक्ट कोड देखना ऐसा, सीएसएस ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख दिया बूटस्ट्रैप, यहाँ पे लिखा बूटस्ट्रैप, सीख रहा था बट सही से आया नहीं मुझे करने में, छोड़ दिया इसको।
बोट स्ट्रैप एक्चुअली यूज करने का मेथड होता है. अभी जैसे देखो इसमें यहाँ पे ये तुमको कंपोनेंट देगा, बट टेलविंड पे फिर स्विच हो गया. अच्छा हाँ, तो अभी जैसे देखो अपन ने नेव बार बनाते बैठे थे, तो ये क्या करते हैं कंपोनेंट के अंदर तुम जाओगे ना बोट स्ट्रैप में नेव बार पे, तो तुमको रेडीमेड बोट स्ट्रैप के तुमको मिलेगा. देखो एक जैसे ये एक नेव बार है, उसका तुमको रेडीमेड कोट मिल जाएगा यहाँ पे. और ये दूसरा नेव बार का तरीका है, ये एक नेव बार है. तो जनरली जो होते हैं ना स्टार्टिंग में बच्चे बोट स्ट्रैप यूज करते, फिर जब रिएक्ट वगैरह यूज करते तो मटेरियल वगैरह यूज कर लेते हैं. नेक्स्ट जीएस यूज करते हैं तो उसमें मटेरियल देते हैं, तो वो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें. मटेरियल में कैसा होता है कि तुम मोस्टली जो है इनलाइन टाइप का जो है इनलाइन सीएसएस अप्लाई करते हो, तो ऐसा होता है. ओके थैंक यू सर. और किसी को कुछ डाउट है? हेलो हाँ बोलो ना. अगर सर्विसेज नहीं देता नहीं है कोई, तो और उसके जगह कुछ और क्या डाल सकता है? वेबसाइट का मतलब हमारे पर जो डाल लेना. अभी जैसे कल उन्होंने पूछा था कि क्या क्या डाले, तो उसमें सर्विस भी ऐसे हमने रैंडमली डाल दिए. जनरली जो होता है ना, अभी जैसे पोर्टफोलियो जो जनरली होता है, अभी फॉर एग्जांपल मैं चालू करूँ तो मैंने सर्विस वगैरह नहीं रखा है. ये मैंने अपने सेकेंड ईयर में मैंने मेरा पोर्टफोलियो बनाया था, तो मैंने इसमें सिंपली क्या क्या रखा था, होम रखा हूँ, अबाउट है, स्किल्स है और कॉन्टैक्ट है. जनरली यही होता है, ऐसा है. होम है, अचीवमेंट्स है, स्किल्स है. तो इसमें मैंने देखो अब्दुल्ला, इसमें मैंने अलग तरीका का कार्ड बनाया था. जब तुम इसको ओवर करोगे तो ये ऐसे ही आएगा. ये ऐसा है, ये कॉन्टैक्ट के लिए मैंने ऐसा बनाया था. तो जनरली जो होता है पोर्टफोलियो के अंदर होम होता है, अबाउट, होम और अबाउट तो रहता ही है कि भाई एक लैंडिंग पेज जो है होम कंसीडर होते हैं और स्किल्स है. उसके अलावा तुम अपने प्रोजेक्ट्स का एक सेक्शन अलग से बना सकते हो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट्स क्या क्या तुमने बनाए हो, तो वो तुम शो कर सकते हो.